हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप API के माध्यम से कोरोना वायरस का मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको कोडोवा के थोड़ा बहुत में नॉलेज है तो आप iOS का एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो एप्लीकेशन कैसा दिखता है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका लोगो ये है और इसका नाम मैंने लिख रख दिया कोरोना वायरस। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो 3 सेकेंड के लिए आपको स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा और उसके नीचे लिखा हुआ आएगा प्लीज़ वेट। और देखिए जैसे ही आपका डैशबोर्ड ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, आपके नेट कनेक्शन के अनुसार ही ये लोड होगा। और जैसे ये लोड होगा तो यहाँ पे हेडिंग में लिख दिया हूँ वर्ल्ड और वर्ल्ड के नीचे टोटल केस है और टोटल डेथ है। तो और आपको वर्ल्ड के नीचे देखिए आपको टोटल केस है, टोटल डेथ है और आपका उसके नीचे आपका ये बटन है रीड मोर। उसके बाद इंडिया का यहाँ पे डाटा दिख रहा है, टोटल केस इंडिया का है 1,31,423। उसके बाद इसका टोटल डेथ, टोटल एक्टिव और टोटल रिकवर्ड। उसके बाद डे वाइज स्टेट है। इसमें क्या बताया जाता है कि डे वाइज मीन्स आपका जितना भी डेट है उस डेट में कोरोना वायरस का केस कितना आया और टोटल कितना हुआ है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वाइज डाटा। इसका मतलब है कि आप स्टेट वाइज डाटा भी देख सकते हैं कि किस स्टेट में मीन्स सिर्फ मैं इंडिया का ही बात कर रहा हूँ कि किस स्टेट में कितना केसेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे महाराष्ट्र का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल केस और टोटल डेथ और एक्टिव रिकवर। और सबसे नीचे आपका टुडे केस और टुडे डेथ है। उसी प्रकार से आप जब रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो जितना भी स्टेट है उन सभी स्टेट को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। जैसे कि बिहार पे मैं क्लिक करूँगा तो बिहार का भी यहाँ पे रिजल्ट प्रेजेंट हो जाएगा। जिस स्टेट पे क्लिक करेंगे उस स्टेट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से उस स्टेट को आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से और इस पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा आपको दिख जाएगा। मैं आपको इसको बैक करता हूँ, फिर बैक करता हूँ और यहाँ पे आपको लेकर आता हूँ यहाँ पे डे वाइज स्टेट। जैसे कि मैं 20 मई को देखना चाहता हूँ कि कितना केस आया था। तो देखिए डेली केस आया था 5,720 और डेली डेथ हुआ था मीन्स 20 मई को ही डेथ हुआ था 1,134 और उसी दिन रिकवर्ड भी हुआ था 3,113। उसी तरह से मैं इसको बैक करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे रीड मोर बटन पे क्लिक करूँगा तो इंडिया में जिस दिन से कोरोना वायरस का केस आना स्टार्ट हो गया था वो था 30 जनवरी। तो 30 जनवरी से आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपली अगर 30 जनवरी पे क्लिक करूँगा तो देखिए 30 जनवरी को एक ही केस था। उसके बाद आपको जितना भी 30 जनवरी से लेकर केसेज आया है, जिस दिन को आया है उस दिन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि 20 मार्च को कितना केस था तो आप 20 मार्च पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पे उसका डाटा दिख जाएगा। इसको बैक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रीड मोर बटन पे क्लिक करूँगा तो जितना भी आपका कंट्री है मोर देन मीन्स जितना API में डिफाइन किया गया है उतना ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारा आपका कंट्री यहाँ पे डिफाइन किया गया, देखिए इस तरह से। तो अब जिस कंट्री पे भी क्लिक करेंगे उस कंट्री का आपका उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए नबिया में आपको 20 केस आया था। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जिस कंट्री को आप यहाँ सर्च करना चाहते हैं उस कंट्री को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं मुझे इटली को देखना है तो इटली लिखूँगा इस प्रकार से इटली। तो देखिए यहाँ पे इटली मिल जाएगा और इटली पे क्लिक करूँगा तो उसका डाटा मिल जाएगा, टोटल केस और यहाँ पे आपको टोटल टेस्ट भी मिल जाएगा। 33,91,188 आपका टोटल टेस्ट हुआ है सिर्फ इटली में। उसी प्रकार से अगर आप इंडिया को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे
इंडिया सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पे इंडिया आ जाएगा और इंडिया का भी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसका जितना भी फंक्शनलिटी वो उतना आपको बता दिया। अब मैं सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि इसको बनाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा। सबसे पहले तो आपको HTML एंड CSS टू मस्ट है, ये तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट और jQuery और jQuery मोबाइल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। और उसके बाद आपको API का भी यूज करना आना चाहिए। अगर आपको API का यूज करना नहीं आता है तभी भी ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का डिज़ाइन को डेवलप करते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये डेस्कटॉप पे कैसा दिखता है। देखिए ये डेस्कटॉप पे आपका इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से आपने पिछले मोबाइल में देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं इसको ब्राउज़र में रन करूँगा, आपको बनाकर दिखाऊँगा, उसके बाद इसको .apk में कन्वर्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का डिज़ाइन को डेवलप करेंगे, उसके बाद इसमें जावा स्क्रिप्ट jQuery और API को फेच करने वाला कोड हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिज़ाइन डेवलप करेंगे, और उससे पहले सबसे ज़रूरी बात आप इसका डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसी प्रकार का ही आपका कोड बनेगा। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। तो सिंपली आप डेस्कटॉप पे आइए और एक कोरोना वायरस का आप फोल्डर बना लीजिए, इसमें डबल क्लिक कीजिए और इसमें आप CSS का फोल्डर, IMG का फोल्डर, JS का फोल्डर और एक index.html फाइल बना लीजिएगा। CSS के अंदर आइएगा तो आप jQuery मोबाइल का इसमें लिंक इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप jQuery मोबाइल इसमें इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इमेजेस भी मिलेगा। और यहाँ पे आप style.css फाइल भी बना लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि jQuery मोबाइल को सेटअप कैसे किया जाता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अगर आपको jQuery मोबाइल नहीं आता है तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि jQuery मोबाइल पर एक डिटेल्स वीडियो बनाइए कि jQuery मोबाइल कैसे उपयोग किया जाता है, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसके बाद इस फोल्डर से बाहर आते हैं। तो JS फोल्डर के अंदर भी आपको index.js फोल्डर JS फाइल बनाना होगा, उसके बाद jQuery का आपका लिंक इसमें देना होगा और jQuery मोबाइल का भी लिंक इसमें इंसर्ट करना होगा। उसके बाद इन सभी IMG में अभी आपको कुछ भी नहीं रखना है। इसके बाद आपको ये जो इंडेक्स है इसको राइट क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लीजिए और इसका इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। इसको और जूम कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको CDN लिंक करना होगा फाफा आइकन के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ फाफा आइकन का लिंक है। उसके बाद आप CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल को लिंक कर लीजिएगा। उसके बाद CSS फोल्डर के अंदर jQuery मोबाइल का CSS फाइल भी इंसर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद jQuery का भी फाइल इंसर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद jQuery मोबाइल का भी, उसके बाद index.js का भी आप इसमें सभी का लिंक इसमें इंसर्ट कर लीजिएगा। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट हुआ। अब हम लोग चेक करके देखेंगे। तो सिंपली इसमें हम लोग H1 पास करेंगे और सिंपली मैं इसमें कुछ भी पास कर दूंगा टेक्स्ट के रूप में। इसको सेव करता हूं और ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहां पे प्रैक्टिकल प्रोग्राम मिल गया। उसके बाद इसके अंदर आइए CSS के अंदर, और जो आपका ये स्टाइल है इसको भी आप एडिट कर लीजिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और इसके अंदर H1 को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप सिंपली कलर पास कर लीजिए रेड, क्योंकि मुझे सिंपली सिर्फ टेस्टिंग करना है। उसके बाद JS फोल्डर के अंदर आइए और जो आपका ये इंडेक्स है इसको भी आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लीजिए और सिंपली इसमें अलर्ट पास कर लीजिए। सेव करता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसमें सिंपली रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए अलर्ट आया, इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का कोड रन किया, इसका कलर रेड हो गया, इसका मतलब है कि CSS का कोड भी इसमें अप्लाइड हो गया। अब सिंपली हम लोग सबसे पहले इसका जो नेव बार है मींस हेडर है, सबसे पहले इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से आप अलर्ट को भी रिमूव कर दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद आप CSS को भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, सेव कीजिए और index.html के अंदर आइए। jQuery का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बना लेना होगा। तो सबसे पहले एक डिव बनाना होगा और डिव के अंदर डाटा लोड लिखना होगा
और इसका वैल्यू पेज देना होगा। पेज देने का मतलब है कि ये पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको हेडर और बॉडी और फुटर लिखना होगा। तो मेरे को तो फुटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मेरे को हेडर की ज़रूरत है और ये बॉडी की ज़रूरत है। तो सिंपली इसके अंदर मैं दो डिप बनाऊंगा, तीसरा डिप नहीं बनाऊंगा। देखिए दो डिप बनाता हूँ और पहला डिप में मैं डाटा लोड के वैल्यू दूंगा हेडर, और उसके बाद जो ये दूसरा मैं दूंगा डाटा लोड का वैल्यू, इसमें मैं दूंगा मेन, और इसमें एक क्लास बाय डिफॉल्ट लगाना होता है यूआई हाइफन कंटेंट। इसकी वजह से आपके बॉडी में जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो आपका कंजस्टेड नहीं रहेगा। इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट लिख कर देख लीजिए। फिलहाल के लिए इसके इस तरह से लिख दिया हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ आने के बाद रिप्लेस करूँगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पे हेडर भी बन गया और यहाँ पे आपका बॉडी बन गया। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें पैडिंग मार्जिन इंसर्ट हो गया यूआई ग्रिड हाइफन सोलो, क्योंकि आपको एक ही ग्रिड बनाना होगा क्योंकि हेडर में मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। इसके बाद एक और डिप बनाइए और इसमें आप क्लास दीजिए यूआई हाइफन ब्लॉक हाइफन ए। देखिए मैं जे क्यूरी का कोड उतना आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए जे क्यूरी का कोड मैं समझाने लगूंगा तो ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो इन सभी को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसके अंदर आप ए टैग बनाइए और ए टैग के अंदर एच एफ का वैल्यू आप एम्प्टी कर दीजिए। उसके बाद इसमें आई टैग लीजिए जिसमें आप जिसमें क्लास दीजिए फा हाइफन बार्स। उसके बाद ए टैग के बाद आप देखिए एक ये दो ये तीन ये स्पेस है, एन बी एस पी देने से आपका स्पेस इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप स्पेन टैग बनाइए और इसमें आप लिख लीजिए कोरोना वायरस टैक्स और क्लास दीजिए टैक्स वाइट। तो मैं ये मुझे सिंपली सीएसएस में जाना होगा और डॉट टैक्स हाइफोन वाइट के नाम से मैं कलर बनाऊंगा जिसका मैं कलर दूंगा वाइट। उसके बाद फिर आई टैग लूंगा जिसमें मैं क्लास दूंगा फा हाइफोन रिफ्रेश होल स्टाइल के माध्यम से इसका फ्लोर दे दूंगा राइट और मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल कर दूंगा और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए ये इस प्रकार का आपका दिख गया। अब इस प्रकार का हम लोग डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार का आपका कलर इसमें इंसर्ट करना होगा। तो आप सबसे पहले हेडर जहाँ पे है आपका यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप क्लास दीजिए बी जी हाइफन प्राइमरी और सिंपली आप स्टाइल टैग में आ जाइए इस प्रकार से और सेलेक्ट कर लीजिए बी जी हाइफन प्राइमरी और इसमें आप सिंपली बैकग्राउंड कलर पास कीजिए जो आप जो इसका कलर है। तो कलर मुझे लेने के लिए मैं कलर पिकल मीन्स ये कलर जीरा क्रोम एक्सटेंशन है। यहाँ पे जैसे मैं ओवर करूँगा तो इसका मुझे हेक्स कोड मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और आप इम्पोर्टेंट जरूर लगाइएगा क्योंकि जे क्यूरी में ये डिस्ट्रेक्शन होता है कि कोई कोई कोड आपका कस्टम काम करेगा और कोई कोई कोड आपका कस्टम काम नहीं करेगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए उस प्रकार का आपका बैकग्राउंड मिल गया। उसके बाद इसको आपको फिक्स्ड करना होगा टॉप में। तो फिक्स करने के लिए सिंपली यहीं पे आ जाइए और सिंपली आप डाटा हाइफन पोजीशन पास कीजिए इस प्रकार से देख लीजिए और इसमें आप पास कर दीजिए फिक्स्ड और इसका एक आप आईडी बना लीजिए। आईडी का नाम भी रख लीजिए हेडर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आईडी के माध्यम से इसको डेकोरेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप कमेंट लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए एंड हेडर एरिया कोडिंग। मैं सिंपली यहाँ पे हैच सिंबल के माध्यम से हेडर को सेलेक्ट करूँगा और सिंपली सबसे पहले से मैं पैडिंग पास कर दूँगा 8 पिक्सल 10 पिक्सल सेव करता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए आपका ये कुछ इस प्रकार का मिल गया। उसके बाद मैं हेडर को सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जो स्पेन टैग है उसका कोडिंग करूँगा जिसमें फॉन्ट फैमिली ये पास कर दूँगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल और उसके अंदर हेडर के अंदर जो ए टैग है उसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, कलर वाइट कर दूँगा, बॉर्डर नॉन, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर दूँगा और उसमें जो आई टैग है उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर वाइट और कर्सर जो हो रहेगा उसका मैं पॉइंटर कर दूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका इस प्रकार का ये दिख गया। बट यहाँ पे जो है ये आपका ढेर कंजस्टर उधर दिख रहा है और यहाँ पे ये कंजस्टर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका स्क्रोल बार आ गया है, इसीलिए यहाँ ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आप वो चाहे तो उसमें स्टाइल टैग भी इसमें पास कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल शीट। सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो इसके बाद आप मार्जिन राइट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपली आप मार्जिन राइट का उपयोग कीजिए और पास कर दीजिए 10 पिक्सल इस प्रकार से, और सिंपली यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, और तो और यहाँ पे ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे 20 पिक्सल पास करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए कुछ यहाँ पे इतना ज़्यादा आ गया। तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे भी डिज़ाइन आपका मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो इस प्रकार का ओवरले आएगा और लिखा हुआ आएगा डेवलप बाय प्रैक्टिकल प्रोग्राम। तो चलिए अब इसका कोडिंग करते हैं। तो इसका कोडिंग करने से पहले जो आपने हेडर ऐसे स्टार्ट किया है इसमें आप सबसे पहले कमेंट पास करते चलिए, क्योंकि आप कमेंट पास करते चलिएगा तो आपको खोजने में आसानी होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट हेडर एरिया कोडिंग, और इसके बाद इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जहाँ पे हेडर एंड हो रहा है यहाँ पेस्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंड हेडर एरिया कोडिंग, और हेडर के ऊपर आप इस प्रकार से कमेंट लिख लीजिए स्टार्ट पैनल कोडिंग और एंड पैनल कोडिंग, और डिप टैग बनाइए, इसके डाटा लोड के वैल्यू में आप पैनल पास कर दीजिए, और इस पैनल के अंदर आप H2 से पास कर लीजिए डेवलप्ड बाय, और उसके बाद यहाँ पे H5 से पास कर लीजिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम। आप सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश जब करेंगे तभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको डिफाइन करना होगा कि जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओवरले आना चाहिए, खुलना चाहिए। तो देखिए किसको आप खोलना चाहते हैं, आप इसको खोलना चाहते हैं तो इसमें आप कोई भी आईडी पास कर दीजिए। तो मैं सिंपली इसमें आईडी पैनल ही आईडी पास कर दूंगा इस प्रकार से, और इसके बाद जिस पे क्लिक करूंगा खुलना चाहिए तो मैं ए टैग पे क्लिक करूंगा तो खुलना चाहिए, तो इसकी एचडीएफ में आऊँगा और सिंपली पैनल लिख दूँगा इस प्रकार से आऊँगा और यहाँ पे पैनल लिख दूँगा, सेव करूँगा और यहाँ आने के बाद रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इस प्रकार का आपका ये खुल गया, देखिए डेवलप बाय प्रैक्टिकल प्रोग्राम, और देखिए ये यहाँ पे आपको इधर आपको दिखने लगा, ये एरिया यहाँ पे इंसर्ट हो गया और इसके बाद ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको मोबाइल वर्जन में कर दूँगा कि आपको अच्छी तरह से दिखने को मिले, तो मैं इस मोबाइल को लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा, और सिंपली इसके बाद मेरे को इसका ज़रूरत नहीं है तो सिंपली मैं इसको मिनिमाइज कर दूँगा। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपका ये इधर आ जा रहा है और उसके बाद ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इसी जगह ही रहे और ये उसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए आप यहीं पे आइए डाटा हाइफ़न डिस्प्ले और इसका वैल्यू आप पास कर दीजिए ओवरले। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, किस तरह से रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल प्लस आर से, और इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वो उसी तरह से रहा, बट यहाँ पे आपको उसके ऊपर आपको ये ओवरले हो गया। अब इसके अंदर जो ये कंटेंट है इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करने के लिए आपका ये जो मेन है दो H2 H5 इसको आपको एक मेन डिप के अंदर रखना होगा, क्योंकि डिप के अंदर ही उसको मैं अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसके अंदर आईडी पास कर लूँगा ओवरले हाइफन डिज़ाइन। अब इसको CSS के माध्यम से कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे आईडी के माध्यम से ओवरले को सेलेक्ट कर लीजिए, विड्थ दीजिए 100%, हाइट दीजिए 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड और अलाइन आइटम सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कोल्यूम, सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा इस प्रकार से। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपका यह इस प्रकार का दिख गया, बट ये इसमें बहुत ज़्यादा दूरी दिख रहा है। तो आप सबसे ऊपर यहाँ पे आइए और सबसे ऊपर आप इस प्रकार से पास कर दीजिए स्ट्रिक, उसके बाद आफ्टर बिफोर में बॉक्स साइज हाइजिंग बॉर्डर बॉक्स पैडिंग 0 मार्जिन 0 कर दीजिए,
इसके लिए जब आप इस तरह से ये कॉल देंगे तो पेंडिंग मार्जिन आपका सभी में रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करूँगा तो देखिए पेंडिंग मार्जिन रिमूव हो गया और इस प्रकार का आपका डिज़ाइन मिल गया। तो इसके बाद आप बॉडी का कोडिंग कर लीजिए और बॉडी को सेलेक्ट कीजिए और बॉडी में आप फॉन्ट फैमिली ये पास कर लीजिए। देखिए इतना सारा आपका फॉन्ट फैमिली पास करना होगा, देख लीजिए मैं इसको शुरू से आपको दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लीजिए इस तरह से, और इसमें फॉन्ट साइज पास कर लीजिएगा, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, कलर और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको कुछ इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग बॉडी एरिया में कोडिंग को करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए जहाँ पे ये आपका मेन लॉर है, इसके अंदर इस कंटेंट को रिमूव कीजिए, इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर लीजिए और यहाँ पर भी आप कमेंट पास कर दीजिए मेन एरिया कोडिंग और यहाँ पे उसको एंड कर दीजिए। अब इसके अंदर ही हम लोग कोडिंग को करेंगे। सबसे पहले H2 बनाइएगा, इसमें वर्ल्ड लिखिएगा और इसका क्लास लीजिएगा BG इन्फो टेक्स वाइट और MB-2। और आप CSS में आने के बाद यहाँ पे कमेंट कीजिए background-color और इस प्रकार से इतना कलर पास कर दीजिए और इन सभी में ये सब ये कलर पास कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये डबल आपका ये सेमी क्लोन हो गया है, इसको रिमूव कीजिए इस प्रकार से। और उसके बाद आप मार्जिन कोडिंग कमेंट कीजिए और यहाँ पे लिखिए .mb-2.my-2 में मार्जिन बॉटम ये रहेगा। उसके बाद इस तरह से ये आप लिख लीजिए क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा, मैं पहले ही इसको लिख दे रहा हूँ। सिंपली देखिए इसका कोड BG इन्फो यहाँ पे किया गया है, देखिए BG इन्फो में ये कलर पास किया गया है और उसके बाद MB-2 तो आपने यहाँ पे पास ही कर दिया है, कहाँ पे गया MB-2 देखिए ये, तो ये आपका यहाँ पे मार्जिन बॉटम इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा और टेक्स्ट वाइट यहाँ पे कलर आपने पास कर दिया है। देखिए ये अब सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका ये इस प्रकार का दिख गया। मेरे को पैडिंग मार्जिन उतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन चाहिए तो मेरे को इस क्लास को रिमूव करना होगा क्योंकि उसी के ही माध्यम से आ रहा है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मुझे थोड़ा सा पैडिंग इसमें चाहिए तो सिंपली कस्टम स्टारशीट पास करूँगा और पैडिंग 8 पिक्सल इसमें पास कर लूँगा। अब जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए पैडिंग मुझे इस प्रकार से मिल गया। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको मुझे सेंटर करना होगा तो सिंपली मैं चाहूँ तो कस्टम स्टारशीट भी पास कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे पास करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर या सिंपली मैं यहाँ पे एक और क्लास पास करता हूँ और लिख दूँगा टेक्स्ट सेंटर इस प्रकार से। देखिए टेक्स्ट सेंटर लिख दूँगा और स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा text-center और इसमें मैं फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन पास करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये सेंटर में आपको देखने को मिल गया। देखिए अब आपका ये हो गया, अब इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं और यहाँ पे इसको एंड कर दीजिए और इसके अंदर सिंपली आप एक डिव टैग लीजिए और इसमें सिंपली आप क्लास पास कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप जो आप क्लास पास किए थे UI-grid-solo तो ये एक ग्रिड के लिए था, मैं दो ग्रिड के लिए बना रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे पास करूँगा UI-grid-a और इसके अंदर मैं सिंपली पास करूँगा क्लास के माध्यम से UI-block-a और इसके बाद फिर मैं पास करूँगा ग्रिड और उसमें क्लास पास करूँगा UI-block-b क्योंकि देखिए ए पास करेंगे तो ABCD में आपको एक ज़्यादा पास करना होगा AB तो इस प्रकार से आप पास कर दीजिए और इसमें एक और क्लास पास कर दीजिए row-1 टेक्स्ट सेंट्रल और MB-3 और आप स्टाइल में आइए और row-1 के अंदर जो डिव होगा उसमें पैडिंग पास कीजिए 10 पिक्सल और बॉक्स साइजिंग पास कर दीजिए border-box और इसके अंदर आप आइए। देखिए ये जो आपका पहला डिव है इसके अंदर आइए, एक और डिव बनाइए जिसका क्लास लीजिए W-100
और इसके अंदर आइए और इसके अंदर आप एक और डिब स्टार्ट कीजिए और इसमें भी आप क्लास को पास कर लीजिए W-100। अब सिंपली CSS में जाइए और सबसे ऊपर चले जाइए और यहाँ पे आप सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए और W-100 और इसमें आप विड पास कर दीजिए 100% और इसमें इम्पोर्टेंट पास कर दीजिए। इसके बाद जो row-div है उसके अंदर जो div है और उसके अंदर जो div है उसका आपका बैकग्राउंड कलर ये रखना है, बॉक्स साइजिंग आप ये पास कर दीजिए। मैं सेव करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका इस प्रकार का बॉक्स शेडो मिल गया। इसमें बेसिकली कंटेंट नहीं है इसीलिए आपको इस प्रकार का दिख रहा है। तो मुझे कंटेंट क्या लिखना है, सबसे पहले आई टैग, उसके बाद ऐसा लिखना है, उसके बाद ऐसा लिखना है। तो आप सिंपली इसके अंदर आइएगा, आई टैग लीजिएगा और आई टैग में क्लास दीजिएगा fa-users, उसके बाद h4 लीजिएगा और इसमें क्लास दीजिएगा world-total-case। ये इसलिए दे रहे हैं कि हम इसको जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे। उसके बाद आप h3 से टोटल केस पास कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे उसी को पेस्ट कर दीजिए, डेकोरेट कर लीजिए और यहाँ पे आपका कौन सा फाफा आइकन लगाना होगा, देखिए बेड आपका फाफा आइकन लगाना होगा तो सिंपली यहाँ पे आप बेड पास कीजिए और यहाँ पे क्लास पास कर दीजिए वर्ल्ड टोटल डेथ। सेव करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका इस प्रकार का ये डिज़ाइन मिल गया। देखिए इसमें पैडिंग बहुत ज़्यादा है तो पैडिंग को मुझे रिमूव करना होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आइए और कस्टम स्टाइल शीट पास कीजिए, इनलाइन स्टाइल शीट, और इसमें आप पैडिंग राइट पास कर दीजिए, padding-right 0 कर दीजिए और सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे स्टाइल पास कीजिए और padding-left पास कीजिए और यहाँ पे भी 0 पास कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग आपका इस प्रकार से बढ़िया हो गया। और इसके बाद रो के अंदर डिब और डिब के अंदर फिल डिब और डिब के अंदर जो आई टैग उसका फॉन्ट साइज और कलर ये कर दीजिए और उसके अंदर जो H4 होगा उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और H3 होगा उसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे आपका आई टैग है, H4 है और H3 है। मैं सिंपली यहाँ पे उसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख लीजिए आपका ये फाफा आइकन भी आ गया, यहाँ पे टोटल क्लास भी आ गया और यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद बटन बनाएंगे इस तरह से, तो सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए और जहाँ पे ये एंड हो रहा है, देखिए कहाँ पे एंड हो रहा है ये, और ये जहाँ पे एंड होगा वहीं पे ही आपको लगाना होगा। तो देखिए सबसे इसका जो रो होगा, देखिए ये रो है, रो यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहीं पे ही आप इस प्रकार से कमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए स्टार्ट रीड मोर बटन कोडिंग और इसको एंड कर दीजिए और फिर इसी को यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिए और यहाँ पे इसको एंड कर दीजिए और इसके अंदर आप ए टैग लीजिएगा क्योंकि वो ए टैग के अंदर ही वो कोडिंग किया जाएगा। और इसमें आप सिंपली रीड मोर लिख लीजिए इस तरह से, रीड मोर, और इसमें सबसे पहले आपको क्लास लगाना होगा तभी ये अच्छी तरह से डेकोरेट होगा। तो क्लास में आप दीजिएगा UI-BTN, उसके बाद देंगे UI-BTN-B, उसके बाद देंगे UI-mini, इसके वजह से आपका जो बटन होगा वो स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद देंगे UI-BTN-inline, इसकी वजह से वो जो आपका बटन होगा वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद UI-corner देने से उसमें बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये आपका इस प्रकार का दिख गया। इसमें मैं डाटा ट्रांजिशन पास करता हूँ, देखिए data-transition, इसके माध्यम से क्या होगा कि जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई जो दूसरा पेज ओपन होगा वो किस ट्रांजिशन में, किस इफेक्ट में ओपन होगा उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे स्लाइड फेड, तो इतना लिखने से अभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके लिए एक पेज बनाना होगा क्योंकि देखिए जे के लिए मोबाइल में आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं क्योंकि इसमें ही आप दूसरा पेज का भी कोडिंग करेंगे। इसको सेव करने पे तो आपको ये इस प्रकार का दिख ही रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप ये जो फोर बॉक्स है, फोर ग्रिड है, आप इस तरह का भी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो सिंपली सबसे पहले इस प्रकार का डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो सबसे पहले वो ऊपर आ जाइए जहाँ पे ये वर्ल्ड का कोडिंग किया गया है, इसी को यहाँ पे आप कॉपी कीजिए। और जहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है ये बटन, बटन के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए और सिंपली यहाँ पे आप इंडिया लिख दीजिए और उसका कलर क्या है, डेंजर है। तो आप इस प्रकार से बीजी हाइफन डेंजर पास कर दीजिए। इसका कोडिंग आपने सीएसएस में यहाँ पे कोडिंग कर ही चुका है, ये देखिए डेंजर। और यहाँ पे आप इस प्रकार से उसको रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए ये आपका सेंटर में चला आया जिस प्रकार से आपका ये दिख रहा है। इसके बाद आप एक और ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड रो। तो इसके बाद आप यहाँ से कमेंट पास कीजिए स्टार्ट सेकेंड, क्योंकि ये आपका सेकेंड ग्रिड होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रिड में ये दोनों बनाया गया है, उसके बाद सेकेंड ग्रिड में आप यहाँ पे बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप कमेंट पास कर दीजिए और इसके अंदर उसी तरह का ही आपको बॉक्स बनाना होगा जिस तरह से यहाँ पे आपने लिखा था। यहाँ पे यूआई हाइफन ग्रिड हाइफन ए, सेम उसी प्रकार से आपको लिखना होगा और इसके अंदर भी सेम उसी प्रकार से यूआई हाइफन ब्लॉक भी लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, जहाँ यहाँ पे ये कोडिंग है ये, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस प्रकार से और सिंपल सा मैं यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूँगा एंड सेकेंड ग्रिड कॉल्यूम और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा, डेट्स इट। अब इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए इसका डाटा आपको इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद इसी तरह का दो और बॉक्स मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये एक बॉक्स हो गया और ये एक बॉक्स हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसके बाद ही मैं इसको इस प्रकार से पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आपका चार बॉक्स मिल जाएगा, देखिए आपका यह चार बॉक्स मिल गया। अब सिंपली करना क्या है, इसमें आपको कंटेंट लिख देना होगा टोटल डेथ। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल कैसे यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे टोटल डेथ लिख दे दूँगा, सबसे ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूँगा देखिए टोटल डेथ्स। उसी प्रकार से यहाँ पे आऊँगा देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा टोटल डेट्स। एक काम करता हूँ, ये जो आपका है ना ये रो है, देखिए यहाँ पे रो है, तो इसको मैं इस प्रकार से बंद कर दूँगा। तो देखिए इसका यहाँ पे एक कंटेंट आपका मिल गया, उसके बाद मुझे समझाने में आपको आसानी होगा। यहाँ पे आपका टोटल डेट होगा, बट इसमें क्लास आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए इंडिया हाइफन टोटल हाइफन केस, उसके बाद यहाँ पर भी आप पास कर दीजिए इंडिया हाइफन टोटल हाइफन देश, उसके बाद यहाँ पे फिर आप लिख लीजिए इंडिया हाइफन टोटल हाइफन, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए एक्टिव है और रिकवर्ड है। तो आप यहाँ पे सिंपली एक्टिव पास कीजिए और सिंपली यहाँ इसमें भी कंटेंट पास कर दीजिए एक्टिव और यहाँ पे आप रिकवर्ड पास कीजिए इसका क्लास और यहाँ पर भी आप इंडिया पास कर दीजिए और इसके कंटेंट में आप सिंपली पास कर दीजिए रिकवर्ड। और यहाँ पे देखिए आपका क्या आइकन, ये देखिए बेड ही आइकन आपका रहेगा, यहाँ पे आपका यूजर्स ही रहेगा तो वही यहाँ पे रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको आप चेंज कर भी सकते हैं, जैसे कि एक्टिव जहाँ पे है मैं उसको प्लस कर दूँगा और सिंपली यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस आ गया, यहाँ पे रिकवर्ड भी आ गया, डेथ आ गया, टोटल केस आ गया। अब मुझे उसके बाद इस तरह का लिखना होगा, तो आप समझ सकते हैं कुछ को आप कहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और ये जहाँ पे एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके कमेंट के बाद पेस्ट कीजिए और यहाँ पे कंटेंट का क्या लिखा गया है, डे वाइज स्टेट। तो आप यहाँ पे डे वाइज स्टेट पास कर दीजिए, सिंपली इसका बैकग्राउंड कॉल आप बीजी हाइफन सक्सेस पास कर दीजिए। अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख लीजिए बूम गाइज यहाँ पे आपको मिल गया। इसके बाद मुझे इस प्रकार का चाहिए, तो इसका कोडिंग अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका डायनेमिक आ रहा है और ये भी आपका डायनेमिक ही आ रहा है। इसके बाद सिंपली मैं बटन को लिख सकता हूं, तो सिंपली ये यहां पे मैं इसको बटन को लिखता हूं, तो जहां पे आप इसके ऊपर बटन का कोडिंग किया था इसको यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कमेंट है, इसको भी आप यहाँ से कॉपी कीजिए और जो यहाँ पे आप लिख चुके थे H2 के बाद आप उसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी आपका वो रीड मोड ही रहेगा, सेम इसी तरह का ही कोडिंग रहेगा। सिंपली जो आपका HRF वैल्यू है
इसमें ही अलग अलग पेज का लिंक रहेगा। इसके बाद फिर इसी को आप कॉपी कीजिए, देखिए यहाँ इस प्रकार से, और इसके बाद उसको पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, स्टेट वाइज डाटा, और इसके बाद आपको एक बटन है रीड मोर का बटन, देखिए इसमें कैपिटल लेटर में लिखा गया है रीड मोर, तो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में भी आप पास कर सकते हैं, या आप सीएसएस के माध्यम से भी आप रीड मोर कैपिटल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जो डे वाइज स्टेट है उसको आप यहाँ पे चेंज अप कर दीजिए, और इसमें आप लिख लीजिए स्टेट वाइज डाटा। और इसका कलर क्या है, देखिए कलर आपका ये रेड है, देखिए इसी तरह से, तो आप इसमें सिंपली डेंजर पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डेंजर पास कर दीजिए। इसके बाद फिर आपका ये बटन है, तो बटन को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और रीड मोर है ही है। सिंपली सबसे ऊपर मैं जाता हूँ जहाँ पे ये रीड मोर बना हुआ है, इसको मैं कैपिटल लेटर में पास करता हूँ, देखिए इस प्रकार से रीड मोर सेव करूँगा, और सिंपली मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दूँगा। तो देख लीजिए मुझे उसी प्रकार का डाटा मिल गया। अब देखिए आगे का डिज़ाइन करने से पहले मैं इस प्रकार से इसमें डाटा को सबसे पहले फिट कर दूँगा इसमें और इसमें। तो अब चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसका कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आप डॉलर का सिंबल दीजिए डॉट, उसके बाद गेट फंक्शन को कॉल कीजिए, और इसके अंदर आप डबल कोट दीजिए, और इसके अंदर आप ये लिंक पेस्ट कर दीजिए। यही लिंक के माध्यम से ही मैं कोरोना वायरस के जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं इस माध्यम से लूँगा। इसके बाद मैं कोमा दूंगा, उसके बाद मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास करूँगा, और एनोनिमस फंक्शन में मैं सिंपली आपका रेस्पॉन्स पास कर दूंगा, देखिए रेस्पॉन्स। और इसके बाद मैं इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा, और इसमें सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग पास करूँगा, और यहाँ पे रेस्पॉन्स को पास कर लूँगा। मैं सेव करता हूँ, और मैं इसमें अभी मैं रिफ्रेस नहीं करूँगा क्योंकि इसका रिजल्ट कंसोल में आता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश एक बार कर लूँगा। तो देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया हूँ तो देखिए 216 आपका कंट्री यहाँ पे आ गया। इसको आप इस प्रकार से एक्सपेंड कीजिए, इसको मैं इस प्रकार से कर लूँगा, देखिए। तो आप जो जीरो है, जो पहरा है, इसको आप एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए ये इसका कंट्री का नाम क्या है, वर्ल्ड, मीन्स पूरा कंट्री इसमें इंटीग्रेट है। इसमें आपका एक्टिव मिल जाएगा, इसमें आपका केस मिल जाएगा, उसके बाद डेथ मिल जाएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे वर्ल्ड में सिंपली दो चीज़ को ही दिखाऊँगा, टोटल केस, तो टोटल केस मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और टोटल डेथ मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसी को ही मुझे इसमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको API यूज करना नहीं आता है फेच करके कि API को कैसे यूज किया जाता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो कोई भी API हो आप उसमें माहिर हो जाएंगे आप उसको यूज करने में। तो अब चलिए इसका हम लोग इसमें डाटा फिट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जो जीरो है और ये जीरो, इसका ID को सबसे पहले मुझे स्टोर करके रखना होगा। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि केस और डेथ मैं कैसे इसमें पास करूंगा। तो सिंपली यहां पे आऊंगा और यहां पे मैं रिस्पॉन्स में एरे पास करूंगा और जीरो इंडेक्सिंग नंबर पास करूंगा, और इसमें डॉट CASE केसेज पास कर लूँगा, केसेज प्रॉपर्टी। अब मैं सिंपली जब इस पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सिंपली यहाँ पे सिर्फ आपको केसेज ही दिखाई देगा, देखिए केस ही आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है और कोई डाटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यही चीज़ मेरे को इसमें इंसर्ट करना, ये जीरो वाला में। तो जीरो वाला में क्या आपका ID है उसको आपको सबसे पहले पता करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मुझे एक्सपेंड करना होगा। तो देखिए इसका क्लास क्या है, वर्ल्ड -total-case। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर लूँगा और एरर के माध्यम से उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके HTML में मैं सिंपली उसी को पास कर दूँगा, रिस्पॉन्स में जीरो और डॉट दूँगा इसमें, और सिंपल यहाँ पे मैं केसेज पास कर लूँगा। उसके बाद इसी को मैं कॉपी करूँगा एक बार और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद दूसरा क्या क्लास है, World-Total-Death। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं डेथ लिख दूँगा, डेथ्स।
अब मैं जब यहाँ पे उसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे टोटल कैसे दिखाएगा और आपका टोटल डेथ भी दिखा रहा है, देखिए इस प्रकार से। बट आप इसमें गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका एक कोमा आ रहा है बट इसमें कोमा नहीं आ रहा है, तो आपको कस्टम कोडिंग करना होगा कोमा लगाने के लिए कि मिलियन पे, लाख पे, थाउजेंड पे कोमा कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए आपको कस्टम कोडिंग करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका कस्टम कोडिंग कर लेंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें ही सबसे नीचे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा इस प्रकार से, और मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नम अंडर स्कोर पार्ट, और नम में मैं लगाऊंगा टू स्ट्रिंग और उसमें लगाऊंगा स्प्लिट डॉट। तो नम में क्या आएगा जहां पे फंक्शन कॉल होगा, तो नम में मैं एक पैरामीटर पास करूंगा। तो नम कहां पे कॉल होगा, यहां पे कॉल होगा, ये जो आपका डाटा दिख रहा है ये नम, ये यहां से नम वेरिएबल आएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर जो नंबर अंडर स्कोर सेपरेट फंक्शन उसको आप कॉल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये नंबर अंडर स्कोर सेपरेट है, इसको कॉल कर लीजिए, तो आपका यहाँ से ही डाटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो चेक किया जाएगा। उसी तरह से इसमें भी आप पास कर लीजिए नंबर अंडर स्कोर सेपरेट और इसको यहाँ से पैरेंथेसिस बना लीजिए, और इसके बाद आपको फिर नंबर अंडर स्कोर पार्ट में जीरो इंडेक्स नंबर पास करना होगा, और यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स नंबर पास करना होगा, और इसमें लिपलेस पास करना होगा, और इसमें आप इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर लीजिए और कोमा दीजिए, और बाद में आप इस तरह का कोमा दे दीजिए, और उसके बाद आप इसको रिटर्न भी कॉल कर दीजिए नम अंडर स्कोर पार्ट डॉट ज्वाइन में डॉट पास कर दीजिए, इसको आप रिटर्न कॉल दीजिए। तो ये रिटर्न होकर कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कॉल हो रहा है और यहाँ पे वो कोडिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं इसको सेव करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखिए नेट कनेक्शन के अनुसार ही आपका ये रिजल्ट फेच होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से कोमा आ गया। अब मुझे इंडिया का रिजल्ट इसमें फेच करना है, तो सिंपली मैं यहीं पर ही जाऊँगा और सिंपली यहाँ पर मैं पास करूँगा। देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से मैं कंसोल डॉट लॉग पास करूँगा और यहाँ पे रेस्पॉन्स को पास कर लूँगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, समझाना है अच्छी तरह से, तो मैं ये स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि मैं HTML में और CSS में तो मैं स्पीडली आपको बता दिया, बट जावास्क्रिप्ट में मैं आपको स्पीडली नहीं बताऊँगा। देखिए यहाँ पे आपका कहाँ पे डाटा आ रहा है, यहाँ पे आपका ये डाटा आ रहा है, और यहाँ यहीं पे ही यहाँ आपका कंट्री नेम इंडिया आ रहा है। तो आपको डायनेमिक कोडिंग करना होगा कि सभी को एक ही बार में आपको लूप के माध्यम से सेलेक्ट करना होगा और पता करना होगा कि जिसमें इंडिया मैच हो रहा है उसका ही डाटा इसमें आपको देखने को मिले। तो अब चलिए इसका ही कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आप रेस्पॉन्स लिखिए, कौन सा रेस्पॉन्स लिख रहे हैं, जो आपका रेस्पॉन्स आ रहा है पूरा डाटा, पूरा इंटायर डाटा आ रहा है उसमें आप ईच फंक्शन को कॉल कीजिए, फॉर ईच पास कीजिए, सॉरी यहाँ पे आप फॉर ईच पास कीजिए। ये एक एग्जीक्यूट का फंक्शन है और ये जावास्क्रिप्ट का भी है, और इसमें आप फंक्शन पास कीजिए, और इसमें कोई भी पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं सिंपली कंट्री पैरामीटर पास करूँगा और इसमें इफ कंडीशन पास करूँगा और कंट्री लिखूँगा, तो कंट्री में आपका सभी का डाटा आएगा, सभी डाटा इसका आएगा। तो मुझे क्या चेक करना है, तो सभी का डाटा कंट्री में आएगा तो मुझे कंट्री में कंट्री डॉट कंट्री लिखना होगा, और इसको इक्वल में मुझे इंडिया से कंपेरिजन करना होगा। अगर मैच कर जाता है, मान लीजिए कि इंडिया में मैच कर जाएगा, तो मुझे इन सभी का डाटा मुझे चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल कैश, टोटल डेथ, एक्टिव और रिकवर। तो सबसे पहले इसको आप जेक्यूरी के माध्यम से आप सेलेक्ट कीजिए, तो सिंपली आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ जाइए, इसको इसी प्रकार से इसको बंद कर लीजिए और यहाँ पे आइए। देखिए सबसे पहले आपका क्लास क्या है, इंडिया हाइफन टोटल हाइफन केस है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे उसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके डॉट एच टी एम एल में आप नंबर अंडर स्कोर सेपरेट फंक्शन को कॉल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर ही आप जो रखेंगे उसमें आपका कोमा आएगा। इसको आप 3 times और कॉपी पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब जो कोडिंग करना है आपको यहाँ पे कोडिंग करना है,
आपको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल केस, तो केसेस से मिल जाएगा, और टोटल डेथ तो आपको डेथ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डेथ, उसके बाद आपको रिकवर से मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक्टिव से मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कौन सा वेरिएबल यहाँ पे उपयोग करेंगे, रेस्पॉन्स नहीं, रेस्पॉन्स नहीं, आप यहाँ पे कंट्री वेरिएबल पास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ यहाँ पे फिर से आप कंसोल डॉट लॉग पास कीजिए, कंसोल डॉट लॉग, और सिंपली यहाँ पे आप कंट्री पास कर दीजिए। अगर आप सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका वो आ गया। देखिए यहाँ से आपका वो मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पे आपका सभी का रिजल्ट आ गया, लास्ट में आपको इंडिया मैच किया। देखिए यहाँ पे ये इंडिया मैच कर गया, तो यहाँ इसी का ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसी को अगर इफ कंडीशन में पास करते हैं ना, तो सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही डाटा मिलता है। अब समझ में आया आपको किस में पास करना है, आपको कंट्री में पास करना है। तो सिंपली आप कंट्री में आप सबसे पहले केसेस पास कीजिए, उसके बाद आप सिंपली फिर कंट्री सेलेक्ट कीजिए, और कंट्री में आप डेथ पास कीजिए, और फिर आप कंट्री पास कीजिए, और इसमें एक्टिव पास कीजिए, और यहाँ पे भी आप कंट्री पास कीजिए, और डॉट डॉट लगाकर आप रिकवर्ड पास कर दीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे जो कंसोल है इसको रिमूव करता हूँ, वो वैसे रहेगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैं सेव करता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख लीजिए इसका डाटा आपको मिल गया, इंडिया का टोटल केस, टोटल डेथ, टोटल एक्टिव और टोटल रिकवर्ड आपको पूरा पूरा मिल गया। अब देखिए आगे का कोड मैं नहीं करूँगा, अब मैं कोड करूँगा कि इस रीड मोड पे जब क्लिक करूँगा, जैसे कि इस रीड मोड पे मैं क्लिक करूँगा तो इस प्रकार का मेरे को डाटा मिलना चाहिए। ये भी आपका डायनेमिक ही आता है, तो आप सिंपली टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए, और इंडेक्स में आ जाइए, और सबसे ऊपर जाइए। सबसे पहले आप इसको भी इस प्रकार से लॉक कर दीजिए, जहाँ पे आपका ये पेज ओपन हो रहा है। देखिए आपका पेज कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखिए लोअर पेज। तो ये आपका क्या था, ये आपका फर्स्ट पेज है। तो आप यहाँ पर कमेंट पास कर दीजिए कोडिंग, और इसको यहाँ से आप कॉपी कीजिए, और यहाँ पे इसको इस पर क्लिक कीजिए, और सबसे नीचे आइए। देखें यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है, इसके एंड होने के बाद उसको आप पेस्ट कर दीजिए, और इसके बाद मैं एक पेज बनाऊंगा। सिंपली उसी तरह से ही मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा जिस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया था, और डाटा हाइफन लोल का वैल्यू मैं पेज पास कर दूंगा। और इसके अंदर में मुझे हेडर नहीं चाहिए, सिंपली मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप डिव बनाइए, और इसके डाटा लोअर के वैल्यू में आप मेन पास कर दीजिए। तो देखिए इतना लिखने से आपको कुछ नहीं होगा, सिंपली इसमें सबसे पहले आपको आईडी पास करना ही होगा, और आईडी में मैं सिंपली यहाँ पे वर्ल्ड पास करता हूँ। तो आप चले जाइए जहाँ पर आप बटन बनाए हुए थे, तो देखिए आपका यहाँ पे ये बटन है रीड मोड का, यहाँ पे ये पे क्लास बना हुआ है, यहीं पे ही आप सिंपली वर्ल्ड पास करेंगे इस प्रकार से। मैं इसको सेव करता हूँ, और सिंपली यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, और मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए जैसे मैं इस बटन पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड पेज आ गया। फिर मैं यहाँ से बैक भी जा सकता हूँ, तो देखिए ये जब पेज ओपन हो रहा है, तो ये देखिए स्लाइड फेड होकर आपको मिल रहा है। तो अब मुझे इसके अंदर इस प्रकार का मुझे सर्च बार बनाना होगा, और इसमें एक क्लास पास कर दीजिए यूआई हाइफन कंटेंट, इसके माध्यम से इसमें पैडिंग मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म टैग बनाइएगा, और इसमें क्लास दीजिएगा यूआई हाइफन फिल्टर एबल, और इसमें इनपुट टैग लीजिएगा जिसमें आप क्लास दीजिएगा फिल्टर बेसिक हाइफन इनपुट। उसके बाद डाटा टाइप में दीजिएगा सर्च, और प्लेस होल्डर में आप दीजिएगा सर्च कंट्री, और इस फॉर्म के बाद आपको यूएल टैग स्टार्ट करना होगा, और इसके अंदर ही आप एलआई में जो चाहें जो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें वर्ल्ड लिखता हूं, इसके बाद मैं एलआई में मैं इंडिया पास करता हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही, और इसमें मैं डाटा लोड वैल्यू का मैं सिंपली इसमें लिस्ट व्यू पास कर लूँगा। और इसमें आपको बताना होगा कि मैं इसमें सर्च जब करूंगा तो किसका डाटा आना चाहिए, तो इसमें आपको इसके साथ कम्युनिकेट करना होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे डाटा हाइफन इनपुट, और इसका वैल्यू आप क्या देंगे, जो इसका आपका आईडी होगा
वही आईडी आपको इसमें हैच सिंबल के साथ देना होगा। और इसके बाद एक और एट्रीब्यूट आप लगाएंगे डाटा हाइफन फिल्टर और इसका वैल्यू आप ट्रू पास कर लीजिए। तो देखें यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से होगा डाटा हाइफन फिल्टर। अब मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा, देखिए इंडिया लिखूँगा तो देखिए वर्ड रिमूव हो गया और सिंपली आपको इंडिया देखने को मिल गया। इसमें मैं सिर्फ पैडिंग मार्जिन 0 कॉल देता हूँ कि इसे आज अच्छा दिखे। इसमें मैं इनलाइन स्टाइल शीट के माध्यम से कोडिंग करता हूँ, तो सिंपली मैं स्टाइल पास करूँगा और इसमें मैं पैडिंग 0 पास कर दूँगा, उसके बाद इसमें मैं मार्जिन भी 0 पास कर दूँगा। अब मैं इसको इसमें रिफ्रेश करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपका इस प्रकार का पैडिंग मार्जिन रिमूव होने पे इस प्रकार का आपका दिखने लगा। अब ये जो LI है मुझे इस प्रकार से इसको नहीं दिखाना है, मुझे आप जानते हैं मुझे इस प्रकार का दिखाना है। थीम का उपयोग करेंगे, देखिए आप इस तरह से थीम का उपयोग करेंगे और इसमें आप B पास कर देंगे और इसमें भी आप उपयोग करेंगे डाटा हाइफन थीम का और इसमें भी आप B पास कर देंगे और जितना आपका ये कंटेंट है इसको आप A टैग से पास कर दीजिएगा, क्योंकि मैं A टैग से पास कर रहा हूँ इसीलिए कि मैं इस पे जब क्लिक करूँ तो एक और पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं सिंपली इसका HREF का वैल्यू कुछ भी मैं पास नहीं करूँगा, सिंपली इसको एम्प्टी कर दूँगा और इसका भी HREF का वैल्यू आप एम्प्टी कर दीजिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपको इस प्रकार का ये डाटा मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके नीचे मुझे हल्का सा पैडिंग चाहिए, देखिए यहाँ पे पैडिंग है, इसी प्रकार से मैं पैडिंग चाहता हूँ। तो आप CSS में आ जाइए और यहाँ पे जहाँ ये हेडर जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, देखिए हेडर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहीं पे ही आप देखिए ये क्लास पास कर लीजिए UI-List View, उसके अंदर UI-LI-Static और इसमें सिंपली आप मार्जिन बॉटम 6 पिक्सल पास कर देंगे। देखिए इतना लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए ये हिडन क्लास है JavaScript में, ये jQuery मोबाइल का हिडन क्लास है, इसीलिए मैं इसको इतना लिखा हूँ। अब मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका डाटा इस प्रकार से यहाँ पे मिल गया। अब इसमें और थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, तो आप सिंपली इसी के बाद ही आप टोटल स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, स्पेन को फिर ए को इस प्रकार से इसको आप फॉन्ट फैमिली पास कर दीजिएगा, फॉन्ट साइज और पैडिंग पास कर दीजिएगा। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका जो डाटा है कुछ इस प्रकार का आपका दिखने लगा, ये परफेक्ट है। अब मैं इन दोनों को रिमूव कर दूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो LI है मैं इसको रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मुझे इसको डायनेमिक कंट्रोल करना है और डायनेमिक मुझे लाना है, तो सबसे पहले मुझे इसमें एक क्लास पास करना होगा। मैं UL में आता हूं और इसमें सिंपली मैं क्लास पास कर लूँगा टोटल हाइफन वर्ल्ड और इसको मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं JavaScript में कोडिंग करूँगा तब मैं उसको रिमूव करूँगा। तो देखिए यहाँ पे उसका कोडिंग है, यहाँ पे आप इसका कमेंट भी पास कर लीजिए कि आपको समझने में आसानी हो, यहाँ पे कमेंट पास कर लीजिए और इसके ऊपर आपको क्या कोडिंग करना है यहाँ पर आइए। अब आपको जो कोडिंग करना है वो फॉर लूप के माध्यम से कोडिंग करेंगे, तो फॉर लूप पास कीजिए, वेरिएबल i में आप 0 पास कीजिए और ये i कहाँ तक चले, तो रिस्पॉन्स में आप लेंथ पास कीजिए, लेंथ प्रॉपर्टी पास करने का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स में जितना भी कंट्री है 216 कंट्री है उसको एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, उसका लेंथ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा और जितना आपका कंट्री है उतना तक ये लूप चलेगा। उसके बाद मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ये जो LI है इसको मुझे कॉपी करना होगा और इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा इसको भी। अब सबसे पहले मुझे इस क्लास को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं इस क्लास को सेलेक्ट कर लूँगा, क्लास क्या है टोटल हाइफन वर्ड, इसको मैं अपेंड कर दूँगा, जो LI को मैं कॉपी किया था इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। और देखिए जब मैं पेस्ट किया हूँ और इसके अंदर जो मुझे करना क्या होगा, एक ये जो डुअल कोट है इसको मुझे रिमूव करना होगा, मुझे सिंपली सिंगल कोट इसमें पास करना होगा। तो आप इस तरह से सिंगल कोट पास कर दीजिएगा, LI दीजिएगा, LI में बी थीम दीजिएगा और इस प्रकार से यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे जो वर्ल्ड आ रहा है इसको आपको नहीं लेना है, इसको सिंपली आपको करना क्या होगा, इसमें ही आप
डायनेमिक एलआई को क्रिएट करेंगे हर बार। तो इसमें आपको कोडिंग करना क्या होगा, सिंपली आप लिखिएगा रेस्पॉन्स, उसके बाद एरे और में इसमें आई पास कर दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से कंट्रीज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या करेगा, जितना कंट्री होगा उतने बार ये लूप चलेगा आपका, और इसमें वन बाय वन चेंजेज होता जाएगा, पहले 0, 1, 2 और लास्ट में 216 तक ये चलेगा, और सभी का कंट्री आपका इस एलआई में बनता हुआ चला जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा एलआई आपको मिल गया। देखिए जितना भी कंट्रीज है उतना कंट्री आपको यहाँ पे डायनेमिकली आ गया। अगर आप इसमें चाहेंगे तो इस प्रकार से आप सर्च भी कर सकते हैं, देखिए इंडिया को सर्च किया तो इंडिया आपका आ गया। इसके बाद जो आपका ये सेकेंड पेज कोडिंग है, इसके बाद आपको थर्ड पेज कोडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कमेंट कर लीजिए स्टार्ट, और यहाँ पे आप एक डिव टैग लीजिए और जिसमें आप डाटा लोड के वैल्यू को आप पेज ही देंगे। सिंपली इसमें एक और आईडी आप पास कर दीजिए, इसमें पास कीजिए टोटल हाइफन वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड हाइफन, इसमें आप डाटा पास कर दीजिए, और इसके अंदर आप एक डिव टैग लीजिए जिसमें आप डाटा लोड का वैल्यू देंगे मेन, क्योंकि मुझे हेडर और ना फुटर से दोनों से मतलब नहीं है, तो सिंपली मैं डाटा लोड में मैं मेन पास कर दूंगा, और पैडिंग एंड मार्जिन के लिए मैं यूआई हाइफन कंटेंट पास कर दूंगा। इसके अंदर आप एक डिव टैग लीजिए जिसमें आप क्लास लीजिए बीजी प्राइमरी टेक्स सेंट्रल और टेक्स वाइट और एमबी हाइफन 5, और इसमें H2 लीजिए, और H2 में आप वर्ल्ड लिख लीजिए, और इसमें ही आप क्लास लिख दीजिए टोटल हाइफन वर्ल्ड हाइफन डाटा हाइफन कंट्री, और टेक्स अपर केस कर दीजिए। टेक्स अपर केस का कोडिंग आप CSS में जाइए और यहाँ पे आइए, ये सबसे ऊपर आइए और ऊपर, और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए डॉट टेक्स हाइफन अपर केस को, और यहाँ पे आप टेक्स ट्रांसफॉर्म पास कीजिए अपर केस। अब इसको आप सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए और रीड मोर बटन पे क्लिक कीजिए, और किसी पे भी आप क्लिक कर दीजिए। तो किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो आपका वो ओपन पेज नहीं हो रहा है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप इसका आईडी क्या है, टोटल वर्ल्ड डाटा। तो ये पेज कब खुलेगा, जब आपके किसी पे भी कंट्री पे क्लिक होगा तो खोलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हर एक एलआई में ऐसा क्लास पास करना होगा जिसको आप जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके उसको आप कोडिंग कर पाए। तो उसके लिए आप सिंपली जावा स्क्रिप्ट में आ जाइए, और यहाँ पे जहाँ पे आप अपेंड कर रहे हैं इसके HREF में ही आपको वहाँ का आईडी पास करना होगा, टोटल वर्ल्ड डाटा। तो यहाँ पे आप पास कर दीजिए टोटल हाइफन वर्ल्ड हाइफन डाटा, और यहाँ पे जो आपका LI है, LI में भी आपको क्लास पास करना होगा कंट्री _ रीड _ मोर _ बटन। अब इसी क्लास को, ये जो क्लास है, इसी क्लास में आप इच मेथड पास कीजिए, और इच फॉर लूप के बाद आप इस तरह से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें सिंपली आप इच मेथड पास कीजिए इस प्रकार से, और इसमें आप एक फंक्शन पास कीजिए इस प्रकार से, और इस फंक्शन के बाद आप कर्ली ब्रैकेट इस तरह से पास कीजिए, और यहाँ पे आप सेमी कोलन दे दीजिए, और इसके अंदर आप इस प्रकार से डिस दीजिए, और डिस में क्लिक इवेंट पास कीजिए, और इसमें भी आप एक एनोनमस फंक्शन पास करेंगे इस प्रकार से एनोनमस फंक्शन, और इसमें आप एक वेरिएबल बनाएंगे कंट्री नेम से, कंट्री _ नेम से, और इसमें आप डिश डॉट क्यूरी सेलेक्टर पास करेंगे, क्यूरी सेलेक्टर, और इसमें ए लिख देंगे, और ए के इनल HTML को पास कर लेंगे। कहने का मतलब है कि डिश कौन है, यहाँ पे आपका ये LI है डिश, और LI के अंदर जो आपका ये ए टैग है, ए टैग को आपने सेलेक्ट किया है, और उसके ए टैग में जो भी लिखा हुआ है उसको आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपका मेन कोडिंग आता है, आप फिर से रेस्पॉन्स में फॉर इच फंक्शन लागू कीजिए इस प्रकार से,
और यहाँ से इसको आप सेमी कोलन से टर्मिनेट कर लीजिए और इसमें आप फंक्शन पास कीजिए और फंक्शन में आप जो चाहें जो ले सकते हैं। तो सिंपली मैं इसमें कंट्री नेम लेना चाहता हूं तो पैरामीटर्स में कंट्री नेम पास कर दूंगा और इफ कंडीशन पास करूंगा के रिस्पॉन्स में और इसमें मैं सिंपली पास करूंगा कंट्री अंडरस्कोर नेम में जहां पे भी कंट्री मैच करता है। देखिए कंट्री अंडरस्कोर डॉट कंट्री और इसको इक्वल मैं फाइंड करता हूँ कंट्री अंडरस्कोर नेम। देखिए कौन सा है, ये है आपका कंट्री अंडरस्कोर नेम। तो ऐसा होगा तो ये आपका लूप चलेगा और इसमें सिंपली मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग पास करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे कंट्री अंडरस्कोर नेम पास कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पे कंट्री लिखेंगे और यहां पे कंट्री में कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और कंट्री नेम लिखेंगे, मीन्स जिस कंट्री पे क्लिक करेंगे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो यहां पे चला आएगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहां पे रेड मोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे देखिए वर्ल्ड है, यूएस है, जिस पे क्लिक करेंगे इसका टेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा इसमें। और इससे यहाँ पर मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ इस कंट्री में आया हुआ नेम अगर मैच करता है तभी इसी कंट्री का सारा डिटेल्स मुझे मिलना चाहिए। इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चले आइए और ये जो आपका डिव है डिव के बाद ही आप कोडिंग को करेंगे। आप जिस तरह से इसमें कोडिंग किए थे देखिए यहाँ पे आपने कोडिंग किए थे ना यहाँ से लेकिन यहाँ तक यहाँ से यू आई ग्रिड पास किए थे इसी को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से ले आइए और इसको यहाँ से इसको आप कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे आइए सबसे नीचे यहाँ पर और इसके नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप कमेंट पास कर दीजिए इस प्रकार से थर्ड ग्रिड रो एरिया और यहाँ पे भी पास कर दीजिए इस तरह से थर्ड ग्रिड रो एरिया। अब इसको अगर आप सेव करते हैं और सिंपली यहाँ पर अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे 8 डाटा चाहिए यहाँ पे 4 है तो इसी 4 को और आप पेस्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपका है ये तो ग्रिड ए है, इसके अंदर जो कंटेंट है जैसे यहाँ पे ये कंटेंट है और यहाँ पे ये कंटेंट है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक कॉपी करना होगा आप यहाँ तक कॉपी करना होगा, इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद ही आप उसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 8 आपको मिल गया बट यहाँ पे ये जो आपका डाटा आ रहा है ये आपका गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से इसमें आपका आई क्लास दिया गया है। इस क्लास को मैं चेंज करूँगा तभी आप उसको अनदर जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इसमें इक्वल जो डाटा आता है वही डाटा इसमें आप फिट कर पाएंगे। तो चलिए इन सभी में क्लास को आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आइए और सबसे पहला जो है कौन पहला है आपका, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से ये इंडिया टोटक केस है इसको आप यहाँ से रिमूव करना होगा और सिंपली यहाँ पे आपको लिखना होगा टोटल वर्ल्ड डाटा केसेस इस प्रकार से, इसी को ही आपको कॉपी करना होगा यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आप डेथ लिख दीजिए और इसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा इस प्रकार से और इसमें आप एक्टिव पास कर दीजिए और फिर यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना होगा देखिए इस प्रकार से और इसमें भी आप रिकवर पास कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रिकवर तक तो सही है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है टोटल केस टोटल डेस एक्टिव और रिकवर और इसके बाद ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्रिटिकल है और टोटल टेस्ट है तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल पास करना होगा। तो यहाँ पर आइए यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए और केसेस को रिमूव कीजिए और यहाँ पे आप क्रिटिकल पास कर दीजिए क्रिटिकल और इसमें भी आप कंटेंट पास कर दीजिए क्रिटिकल और उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल टेस्ट है तो यहाँ पेस्ट कीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल हाइफन टेस्ट और यहाँ पे भी आप पास कर दीजिए टोटल हाइफन टेस्ट। देखिए यहाँ पे टोटल हाइफन टेस्ट है उसके बाद टुडे केस और टुडे डेथ है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए टुडे हाइफन केसेज इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे केसेज और टुडे डेथ और यहाँ पे आप पास्ट कर लीजिए टुडे केसेज इस प्रकार से टुडे डेथ
और इसमें भी आपको बदलाव करना होगा। यहाँ पे आपको टूडे पास करना होगा, टूडे वर्ल्ड डाटा केसेज, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी आपको पास करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको पास करना होगा टूडे हाइफन वर्ल्ड हाइफन डाटा हाइफन डेथ, इसको सेव कीजिए और यहाँ आने के बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए अब आपको एक भी डाटा नहीं आएगा क्योंकि क्लास सभी में रिमूव कर दिया गया है। अब देखिए एक्टिव में ये आपको फाफा आइकन चाहिए, तो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका जो आईडी आपका है, सॉरी इसका जो क्लास है वो ये है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जहाँ पे एक्टिव होगा, यहाँ पे एक्टिव है उसके फाफा आइकन में पेस्ट कर लूँगा। तो देखिए ये फाफा आइकन मेरे को ये मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को रिकवर्ड में मेरे को ये चाहिए, देखिए रिकवर्ड में ऐसा चाहिए, तो ऐसा क्या होगा चाइल्ड होगा। तो सिंपली आप रिकवर्ड में आइए और यहाँ पे आप सिंपली चाइल्ड पास कर दीजिए फाफा आइकन। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेड सही है, क्रिटिकल में आपको बेड पास करना होगा। यहाँ पे आइए और यहाँ पे बेड पास कर दीजिए क्रिटिकल में, और टोटल टेस्ट में आपको क्या पास करना है, इस प्रकार से आपको पास करना है। तो सिंपली इस पर राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए आपका जो इसका क्लास है वो एम्बुलेंस है, तो आप टोटल टेस्ट में आ जाइए। कहाँ पे आपका टोटल टेस्ट है, यहाँ पे है, और इसका जो क्लास है इसको चेंज कर दीजिए एम्बुलेंस में। उसके बाद आपका उसी प्रकार से रहेगा यूजर्स और डेथ जिस प्रकार से यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप यूजर्स पास कर लीजिए और यहाँ पे बेड है ही है, सेव कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह का आपका फाफा आइकन्स मिल गया। अब कोडिंग करना है कि जिस पे क्लिक किया जाएगा उसका ही यहाँ पे डाटा मिलना चाहिए। तो सब कोडिंग तो आप कर ही दिए हैं, क्लास पास कर दिए हैं, अब जो कोडिंग करेंगे आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से कोडिंग करेंगे। जैसे कि आपका ये रहा ये केसेज टोटल वर्ल्ड हाइफन डाटा हाइफन केसेज, इसको कॉपी कीजिए, इंडेक्स में आइए और जे क्यूरी के माध्यम से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके HTML में नम अंडरस्कोर सेपरेट फंक्शन को कॉल कर दीजिए और इसी को ही आप पेस्ट कर लीजिए। कितना बार, आपको 8 बार इसको पेस्ट करना होगा इस प्रकार से। और इसमें सभी में आप सबसे पहले यहाँ पे डेथ पास करेंगे, उसके बाद आपको टूडे वर्ल्ड डाटा डेथ से, तो इसको भी आप कॉपी कीजिए और यहाँ आने के बाद आप इसको इसमें पेस्ट कर दीजिए। इसमें एक और आपको पास करना होगा, वो क्या चीज़ होगा, आप ऊपर आइए यहाँ पे जहाँ पे आपका वर्ड लिखा जा रहा है, यहाँ पे ये जो आपका कंट्री है इसको आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस पे क्लिक करेंगे डायनेमिकली यहाँ पे आपका वो रिजल्ट दिखना चाहिए। तो इसको कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर ही आप इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको HTML के माध्यम से आप सिंपली कंट्री अंडरस्कोर नेम पास कर लीजिए। इसमें आप नंबर अंडरस्कोर सेपरेट पास नहीं कीजिएगा, क्यों पास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपका नेम है और ये सब आपका नंबर है, तो नंबर में आप कोमा का सिंबल चाहते हैं, इसीलिए आप इसमें नंबर सेपरेट पास नहीं करेंगे। और सिंपली आप इसमें कंट्री के माध्यम से आप केसेज को पास कर लीजिए, तो आप इस तरह से सभी में पास कर देंगे। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके बाद रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो देखिए सभी आपका आ गया LI जिसमें आपका कंट्री नेम लिस्टेड है। मैं जैसे कि स्पेन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्पेन लिखा हुआ आ गया और स्पेन का जितना डाटा होना चाहिए वो डाटा यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर बैक आऊँगा, फिर मैं अगर इंडिया पे क्लिक करूँगा तो देखिए इंडिया लिखा हुआ आएगा और इंडिया का यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर वर्ल्ड पे क्लिक करूँगा तो वर्ल्ड का डाटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और हम लोग API पढ़ेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए और सिंपली आप index.js में आ जाइए और सबसे नीचे जहाँ पे ये फंक्शन है इसी फंक्शन के ऊपर आप यहाँ पे कमेंट पास कर लीजिए इस प्रकार से सेकेंड API कोडिंग इस प्रकार से, और यहाँ पे आप डॉलर पास कीजिए डॉट, उसके बाद आप गेट पास कीजिए और इसमें आप ये लिंक पेस्ट कर दीजिए। आप इस लिंक को सही से देख लीजिए, क्योंकि देखिए मुझे सेकेंड API की क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि
इंडिया का मुझे डिवाइस का रिजल्ट चाहिए और इंडिया के हर एक स्टेट का मुझे डाटा चाहिए, इसीलिए मुझे इंडिया का एपीआई का ज़रूरत है। इसके बाद इसको आप सेपरेट कीजिए और इसके अंदर आप एक एनोनिमस फंक्शन पास कीजिए और इसमें रेस्पॉन्सिव पास कर दीजिए और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली कंसोल डॉट लॉग में पास करूँगा और रेस्पॉन्स इस तरह से पास कर दूँगा, सेव करूँगा और यहाँ आने के बाद मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे आएगा केस टाइम सीरीज, इसमें आपको डे वाइज मीन्स 30 जनवरी से आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा केस टाइम सीरीज में। उसके बाद स्टेट वाइज में क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट वाइज आपको मिलेगा, जीरो में आपका टोटल मिलेगा, उसके बाद वन में आपका महाराष्ट्र मिलेगा। इस तरह से आपको स्टेट वाइज में मिलता चला जाएगा। तो मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे इस तरह का बनाना है। देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपका देखिए इस तरह का मुझे बनाना है। इसी का उपयोग करके ही हम लोग बनाएंगे, सिंपली मुझे केस टाइम सीरीज का उपयोग करके इस तरह से बनाना है। तो सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए और index.js में आ जाइए जहाँ पे आप डे स्टेट का कोडिंग किए थे, ये रहा डे स्टेट कोडिंग। इसके नीचे आप डीप टैग स्टार्ट कीजिए और इसमें आप डे वाइज आप इसका क्लास पास कर दीजिए और सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे आपने सेकेंड API पास किया था। आप इसमें एक वेरिएबल बनाइए लेंथ के नाम से और रिस्पॉन्स डॉट केस अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर सीरीज में लेंथ पास कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका केस टाइम सीरीज में जितना लेंथ होगा 115 आपका लेंथ है तो आपका लेंथ यहाँ पे इसमें आ जाएगा। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाइए आप कस्टम अंडरस्कोर लेंथ और इसमें आप जो आपका ये लेंथ है लेंथ में -10 पास कर दीजिए। मैं 10 पास इसीलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 10 रिजल्ट ही आएगा। देखिए आपको 14, 15, 16 से आपका रिजल्ट आ रहा है और जितना लास्ट तक रिजल्ट आना चाहिए, मान ले कि ये देखिए 23 मई तक है, तो यहाँ पे आप एक्सपेंड कीजिए उसको और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 23 मई। तो इसीलिए मैं इसका कोडिंग कस्टम कोडिंग किया हूँ कि मेरे को इतना ही चाहिए, मैं कंडीशन इसमें पास करने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक फॉर लूप बनाऊँगा और एक वेरिएबल बनाऊंगा आई के नाम से और ये कितना तक चले मेरे को कस्टम लेंथ तक चले, उसके बाद आई लेस देन लेंथ तक ये चले और आई प्लस प्लस कर दूंगा। कहने का मतलब है कि आई जो है वो कस्टम लेंथ से स्टार्ट होगा और जितना लेंथ होगा उतना तक चलेगा। तो मान लीजिए कि लेंथ आपका 100 है तो 100 में से -10 होगा तो 19 हो जाएगा, तो ये लूप आपका 19 से चलने का स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो आपका ये क्लास है डे वाइज क्लास इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, आप डॉट के माध्यम से आप डे वाइज को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डे का स्पेलिंग गलत है, डे वाइज को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आप अपेंड पास कर दीजिए और इसके अंदर आप एक ए टैग बनाइए, देखिए एंकर टैग, और इसके एच रेफ में आप डे डाटा पास कर दीजिए। देखिए डे डाटा यहाँ पे देखिए डे वाइज है, यहाँ पे डे डाटा इसका आईडी है क्योंकि मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद एक अनदर पेज ओपन होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें क्लास दीजिएगा UI-BTN UI-BTN-B और ये क्लास पास कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें एक और क्लास बनाइएगा day-read-more क्योंकि इस पर ही क्योंकि इसी क्लास के माध्यम से ही मैं सेलेक्ट करूँगा कि किसी पे भी क्लिक किया जाएगा तो वो अनदर पेज ओपन होना चाहिए। इसके बाद आप डाटा ट्रांजिशन पास कीजिए slide-fed और इसके बाद आप स्पेन टैग स्टार्ट कीजिए और इसमें कस्टम स्टारशीट पास कर दीजिए स्टाइल, देखिए यहाँ पे रहा, देखिए स्टाइल में प्रोएट लेफ्ट और टेक्स्ट अलाइन अपर केस, और इसमें ही आप सिंपली क्या कीजिएगा रेस्पॉन्स डॉट केसेस सीरीज में आई पास कर दीजिएगा और इसमें डेट पास कर दीजिएगा और इस तरह से आप फिर से स्पेन टैग स्टार्ट कीजिएगा और इसमें रीड मोर पास कर दीजिएगा। देखिए ये इतना ही रहा, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ इसमें आता हूँ, मैं इसमें इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं इसमें रिफ्रेश किया हूँ तो इस तरह का आपका
10 आपका एलआई बन गया। देखिए 10 एलआई, देखिए 14 मई से जिस तरह से इसमें आ रहा था 14 मई से। अब मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो इस तरह का आपका बॉक्स खुले, जैसे कि देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका इस तरह का आपको बनाना होगा और सबसे नीचे आइए और एक डिप टैग बनाइए, मीन्स एक मेन डिप टैग बनाइए। देखिए सबसे नीचे आइए आइएगा तो ये यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है और इसमें आप डाटा लॉग के वैल्यू पेज और आईडी अपडेट डाटा पास करेंगे और सिंपली इसके अंदर ही आप एक डिप बनाएंगे जिसमें डाटा लॉग मेन देंगे क्लास यूआई हाइफन कंटेंट। उसके बाद आप एक मेन डिप बनाएंगे, देखिए डिप के अंदर डिप, फिर डिप के अंदर ये डिप बनाएंगे जिसका क्लास देंगे टोटल हाइफन स्टेट हाइफन डाटा। देखिए ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है और इसके अंदर आप एक डिप बनाएंगे जिसमें आप बीजी प्राइमरी टेक्स्ट हाइफन सेंटर टेक्स्ट हाइफन वाइट और एमबी हाइफन थ्री और इसके अंदर H2 बनाएंगे और इसमें आप बाय डिफॉल्ट 30 जनवरी पास कर देंगे और इसका टेक्स्ट हाइफन अपर केस पास कर देंगे और इसका क्लास आप टोटल हाइफन डे हाइफन नेम डाटा हाइफन नेम पास कर दीजिएगा। इसके बाद एक मेन डिप बनाइएगा मीन्स रो और इसमें क्लास देंगे यूआई हाइफन ग्रिड ग्रिड हाइफन ए और रो रो हाइफन वन टेक्स हाइफन सेंटर और एमबी हाइफन थ्री और इसके अंदर ये देखिए ये एक ये डिप रहा एक ये डिप रहा और एक ये मीन्स कहने का मतलब है कि 6 डिप आपको बनाना होगा इस प्रकार से। तो आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, पहला डिप आपका ये रहा, सभी में आपका पैडिंग लेफ्ट 0 पैडिंग राइट 0 क्योंकि ये लेफ्ट के लिए है और ये राइट के लिए है और देखिए सभी में वो वही रहेगा। देखिए जो आपने इससे पहले बनाया था सेम टू सेम उसी तरह से ही है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लास चेंज कर देना है और यहाँ पे आपका जो नाम लिखा है वो नाम इसमें लिख देना है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा, मान लीजिए कि मैं 14 पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये ओपन हो गया, डाटा आपका आ गया 6 यहाँ पे आपका ग्रिड बन गया बट इसमें आपको डाटा नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा इस तरह से आपको नहीं आएगा। इस तरह से लाने के लिए आपको कस्टम JQuery में कोडिंग करना होगा। तो फिर आप JQuery में आ जाइए, आप कहाँ पर कोडिंग किए थे यहाँ पर कोडिंग किए थे और इस एंकर टैग का क्लास क्या है, यहाँ पर आइए और इस एंकर टैग का क्लास है डे हाइफन रीड हाइफन मोर और इसी को आप फॉर लूप के बाहर आ जाइए और यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आप ईच फंक्शन पास कीजिए ईच फंक्शन और इसमें ही आप फंक्शन पास कर लीजिए एनोनिमस फंक्शन और इसके अंदर आप इस प्रकार से डिस को सेलेक्ट कीजिए और डिस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, फिर एक एनोनिमस फंक्शन कॉल होना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डे अंडर स्कोर नेम के नाम से और यहाँ पे मैं पास करूँगा डिस डॉट क्यूरी सेलेक्टर में मैं इसमें स्पेन टैग पास कर दूंगा और स्पेन टैग के इनर HTML में जो वैल्यू की इनपुट किया गया हो मीन्स जो वैल्यू आया होगा वो डे नेम में आ जाएगा। मीन्स देखिए ये जो आपका एंकर टैग है इसके अंदर आपका स्पेन टैग है, देखिए यहाँ पे आपका ये स्पेन टैग है और स्पेन टैग के अंदर ही आपका ये डाटा दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको इसमें इतना ही कोडिंग करना है, इसके बाद आप एक फंक्शन बनाइए डिस्प्ले अंडर स्कोर डे और इसमें आप पैरामीटर रिसीव कर लीजिए डे अंडर स्कोर नेम और इसको जो डिस्प्ले अंडर स्कोर डे है इसको आप यहाँ पे कॉल कर दीजिए और इसमें डे अंडर स्कोर नेम पास कर दीजिए। इसका मतलब है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस एंकर टैग पे क्लिक करेंगे मीन्स जो आप यहाँ पे आएंगे, इसको मैं बैक करता हूँ, जो ये आपका एंकर टैग है जिस पे क्लिक करेंगे उसके स्पेन टैग जो ये आपका स्पेन टैग है उस स्पेन टैग के इनर HTML में जो भी लिखा हुआ है वो इसमें आ जाएगा और ये आप यहाँ इसमें भेज रहे हैं कॉल बाय वैल्यू के माध्यम से तो इसमें रिसीव कर लेंगे और इसमें मैं फिर से पास कर लूँगा रिस्पॉन्स डॉट उसके बाद जो यहाँ पे ये आपका है केस अंडर स्कोर टाइम अंडर स्कोर सीरीज यहाँ पे पास कीजिए
केसेज अंडरस्कोर टाइम्स अंडरस्कोर सीरीज, इसमें ही आप फॉर ईच फंक्शन पास करेंगे और इसमें आप एनोनिमस फंक्शन एक पास करेंगे और इसमें भी इसमें ही आप डे इस तरह से पास कर लीजिए क्योंकि आपको डे को ही आप कंपेरिजन करना चाहते हैं। इसके बाद इफ कंडीशन पास कीजिए और डे पास कीजिए डे डॉट डेट, डे डॉट डेट और क्या इक्वल इक्वल डे अंडर स्कोर नेम के बराबर है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो जो डेट आपको चूज किया जाएगा वो यहाँ पे आएगा और इसके माध्यम से इससे कंपेरिजन किया जाएगा, इसमें से डेट को निकाला जाएगा और उससे कंपेरिजन किया जाएगा डे अंडरस्कोर नेम में। अगर वो मैच कर जाएगा तो उसका डाटा यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा किस को, यहाँ पे जो आपका ये टोटो अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर के केसेज है उसको, उससे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पे आऊँगा और इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लूँगा और इसके HTML में मैं डे अंडरस्कोर नेम पास कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा टोटल अंडर टोटल हाइफन डे हाइफन केसेज को और फिर यहाँ पे आऊँगा और इसको इस प्रकार से इसमें पेस्ट कर लूँगा और इसके HTML में मैं नम अंडर स्कोर सेपरेट पास करूँगा और इसके अंदर मैं सिंपली डे में से मैं सिंपली यहाँ पे पास कर लूँगा डे डॉट टोटल कन्फर्म्ड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आइए तो देखिए टोटल कन्फर्म्ड है, टोटल डिक्रीज है, टोटल रिकवर्ड है। इसको ही आप वन बाई वन करके इसके माध्यम से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप डेथ को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए इसके बाद इस प्रकार से और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी तरह से डॉट HTML में आप नम सेपरेट पास कीजिए और डे में से आप टोटल यहाँ पे देखिए आपका वो नाम लिखा गया टोटल डिक्रीज, इसका मतलब है डिसीज के इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे डेथ मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप वो इस तरह से करना है सिंपली, ये बहुत ही आसान है, आप इस तरह से कॉल दीजिए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और फिर इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। जब तक मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि 15 मई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका 15 मई मिल जाएगा। बट उसके बाद आपको ये यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे एरर बता दिया जा रहा है, नंबर अंडर इसको सेपरेट आपका एरर बता दिया जा रहा है। देखिए एरर कहाँ पे बता रहा है, ये देखिए नंबर अंडर इसको जो सेपरेट है ये गलत है। देखिए ये आपका सही है, इसको आप कॉपी कीजिए और जहाँ जहाँ आपका मैच कर रहा है यहाँ पर आप लगाए हैं इसको एक ही बार में आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। आप सेव कीजिए और यहाँ आने के बाद इसको बैक कीजिए और एक बार और रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे मिल गया, मैं फिर 15 मई पे क्लिक करूँगा तो देखिए 15 मई आ गया और उसका यहाँ पे डाटा भी आपको देखने को मिल गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि 15 मई को डाटा सही बता रहा है या नहीं तो मैं सिंपली केसेज को एक्सपेंड करूँगा, 100 पे क्लिक करूँगा तो ये 15 मई कहाँ पर आएगा। देखिए मैं किस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 9 मई है तो ये आपको 16 मई है और ये 106 आपको 15 मई है। देखिए टोटल कन्फर्म डेट है 885,855 और यहाँ से आप इसको मिला भी सकते हैं तो ये आपका ट्रू रिजल्ट पास कर रहा है। इसी तरह से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब मैं कोडिंग करूँगा, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक अनदर पेज ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे है, मैं रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो अनदर पेज ओपन होगा और इसमें सारा डेट आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब इसका हम लोग कोडिंग को करते हैं और सबसे नीचे ये जहाँ पे आप यहाँ पे कमेंट पास किए क्रिएट स्टेट पेज यहाँ पे और उसके ऊपर ही आप इस प्रकार से पास कर दीजिए और यहाँ पे आप कमेंट पास कर लीजिए क्रिएट 4 पेज कोडिंग स्टार्ट और इस प्रकार से एक डिप टैग लीजिए डाटा रोल में पेज और इसका आईडी डे पास कर लीजिए और इसमें आप एक मेन बनाइएगा डाटा रोल में मेन क्लास का UI-content। एक फॉर्म टैग लीजिएगा, इसमें आप क्लास लीजिएगा UI-filterable और इनपुट टैग लीजिएगा और इसमें आप क्लास दीजिएगा filter-basic-day और उसी को ही आप इसी यूएल में आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से, क्योंकि इसमें सर्च करेंगे तो यूएल के अंडर का कंटेंट आपका सर्च होना चाहिए।
और देखिए सेम रहेगा, सिंपली आपको सिंपली क्लास आपको इस प्रकार से दे देना है टोटल हाइफन डे। अब सिंपली आप फिर से इंडेक्स डॉट जे एस में आ जाइए और यहाँ पे आइए और आप फिर से एक फॉर लूप चलाइए, यहाँ पे आप फॉर लूप चलाइए और अब की बार आप फॉर लूप कस्टम लेंथ से नहीं चलाइएगा क्योंकि आपको पूरा डेट चाहिए। तो फॉर लूप चलाइए, वेरिएबल आई में आप जीरो इनिशियलाइज कीजिएगा और ये कितना तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा और इसको आप आई को इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा, किसको सेलेक्ट आपको करना है, यहाँ पे आप आईडी पास किए हैं टोटल हाइफन डेट, यहाँ पे आप डॉट के माध्यम से टोटल हाइफन डे को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें अपेंड पास कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स में आता हूँ और सबसे नीचे इसको मैं पेस्ट करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एलआई है इस तरह से और उसके बाद आपका एंकर टैग है। तो एलआई में आप डाटा थीम बी दीजिएगा और क्लास आप दीजिएगा डिस्प्ले हाइफन डे और उसके बाद एंकर टैग पास कीजिएगा और एंकर टैग में आप डे हाइफन डाटा पास कीजिएगा। डे हाइफन डाटा पास इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए ये जो आपका है इसमें आपका आईडी है डे हाइफन डाटा, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको वो पेज ओपन होना चाहिए। उसके बाद डाटा ट्रांजिशन पास कीजिएगा और इसमें स्लाइड फेड पास कर लीजिएगा और ये जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आएगा। तो इसी चीज़ को मुझे इसमें पेस्ट करना है इस तरह से। तो देखिए आपको इस तरह से पेस्ट हो गया। आपको सिंपली यही समझना है कि एंकर टैग के अंदर रेस्पॉन्स डॉट केसेज अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर सीरीज में आप आई पास कर दीजिएगा तो ये जीरो से ले कर जितना इसका लेंथ होगा उतना तक चलेगा और सभी का डेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरह से एक लूप अपने पास कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह का सेम चीज़ कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बट यहाँ पे जब क्लास पास कर रहे हैं वो क्लास आप पास नहीं करेंगे, आप ये क्लास पास करेंगे डिस्प्ले हाइफन डे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए और डिस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एल आई के अंदर जो आपका एंकर टैग है उसका आपको डाटा चाहिए तो आपको इसमें स्पेन टैग नहीं पास करना होगा, सिंपली ए पास कर लीजिए और जो कोडिंग आपका है सो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी आप डिस्प्ले के माध्यम से इसको यहाँ पे डाटा भेज रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे उसी प्रकार से आपको डाटा दिखा ही रहा, प्रेजेंट कर ही देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर उसको मैं रिफ्रेश कर दूँगा और सिंपली यहाँ पे आऊँगा और रीड मोर बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए रीड मोर बटन है तो आप इंडेक्स पेज में आ जाइए और इसका आईडी आपको क्या क्या दिया है, डे हाइफन डाटा। आप कंट्रोल एफ के माध्यम से कैपिटल लेटर में रीड मोर को सेलेक्ट कीजिए और देखिए ये आपका एक पहला मिला, ये पहला आपका ए है। उसके बाद ये आपका ये सेकेंड ए है, देखिए यहाँ पे ये रहा। इसमें आपको ये देना होगा इसके एंकर टैग में डे हाइफन डाटा। अब सेव करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो इसका पेज ओपन होगा और 30 जनवरी को आपको ये दिखाएगा। बट यहाँ मुझे 30 जनवरी को ओपन नहीं करना था तो यहाँ पे ये गलत आपको दिखा दे रहा है, मुझे इसको ओपन करवाना था डेट को। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो आपका यहाँ है इसी में आप सिंपली डे सिर्फ डे क्लास पास कर लीजिए, सेव कीजिए और यहाँ पे फिर से आप रिफ्रेश कीजिए। अब आप रीड मोर बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको इस प्रकार का जितना भी टोटल डेट होगा वो डेट आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको एरर बता रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इन योर एच टी एम एल। देखिए फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो 31 जनवरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि एरर बता रहा है। तो फिर आप आइए इंडेक्स डॉट जे एस में ही आइए और आपको यहाँ से ये एरर बता रहा है। अगर आपको एरर को देखेंगे कहाँ से आ रहा है तो 67 से आ रहा है। देखिए ये 67 से आपका एरर बता रहा है, डिश डॉट क्यूरी सेक्टर में स्पेन टैग पास किए हैं तो स्पेन टैग के अंदर इनर एस्टीमेट पास कर रहे हैं तो ये आपको रॉन्ग बता रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर आ जाइए, जो यहाँ पर आपका जो LI है, LI के अंदर आपको एंकर टैग है तो सिंपली आपको एंकर टैग बनाना था,
यहाँ पे एंकर टैग ही आपको पास करना था, ना कि इसमें आपको पास करना था ए। आप इसको इसी तरह से ही स्पेन टैग बनाकर रख रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंकर टैग के अंदर स्पेन टैग है। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, इसको बैक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और 16 मई पे क्लिक करूँगा तो 16 मई का डाटा दिखा देगा, और रीड मोर पे क्लिक करूँगा और किसी पे भी क्लिक करूँगा तो उसका ही डाटा यहाँ पे आपको दिखाएगा, और यहाँ पे अगर आप सर्च भी करेंगे तो उसका ही डाटा यहाँ पे दिखाएगा। तो आपका डे वाइज का डाटा कंप्लीट हो गया। अब सिंपली मुझे स्टेट वाइज का डाटा दिखाना है, तो सिंपली इसी तरह का ही कोडिंग करना होगा यहाँ पे। तो आप स्टेट वाइज को चूज कीजिए कि स्टेट वाइज कहाँ पे है। यहाँ पे आइए, HTML में आइए और कंट्रोल एफ के माध्यम से इसको पेस्ट कर दीजिए तो आपको मिल गया स्टेट वाइज डाटा। इसके अंदर ही आप, इसके बाद आप एक div टैग बनाइए और इसमें आप क्लास पास कर लीजिएगा स्टेट वाइज -show-data। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो फंक्शन बना है इसके अंदर आप फॉर लूप चलाइएगा और इसमें आप वेरिएबल बना लीजिए, वेरिएबल आई, और इसको 1 इनिशियलाइज कर लीजिए, और ये कहाँ तक चले, आई लेस देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेट वाइज का जितना लेंथ है उतना तक चलना चाहिए, और आई को इंक्रीमेंट कर लीजिए, और आप इसमें एक इफ टैग पास कीजिए i=10। जब मैच कर जाएगा तो ये आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको स्टेट वाइज -show-data को, और इसके अंदर आप अपेंड कर दीजिए। किसको अपेंड करना है, यहाँ से देखिए एंकर टैग में आपको आईडी पास करना होगा state-data, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद एक अनदर पेज ओपन होना चाहिए। इसमें क्लास आपको सेम वही क्लास आपको पास करना होगा, सिंपली आपको इसमें एक और क्लास पास कीजिएगा state-read-more, और इसमें डाटा ट्रांजिशन में स्लाइड फेड पास कर लीजिएगा, और इसके बाद स्पेन टैग बनाइएगा, और वही कोडिंग ही रहेगा। सिंपली यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स डॉट स्टेट वाइज एरे में आई पास कर लीजिएगा, और इसमें स्टेट ही पास कर लीजिएगा। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और यहाँ आने के बाद इसमें मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी आपको वो डाटा मिल गया, बट इस पे क्लिक करने के बाद कोई अनदर पेज ओपन नहीं होगा। तो क्यों नहीं ओपन होगा, क्योंकि उसका कोडिंग आपने किया ही नहीं है। तो सबसे नीचे आप आ जाइए और यहाँ पे जो आप बनाए थे क्रिएट फोर पेज कोडिंग एंड वाला, उसके बाद आप कि आप फिर कमेंट पास कीजिए क्रिएट स्टेट डाटा पेज कोडिंग स्टार्ट, और इसमें आप एक मेन डिप टैग लीजिए, और डिप टैग यहाँ पे एक क्लोज हो रहा है। इसमें आप डाटा लोड का वैल्यू पेज डिफाइन करेंगे और इसमें आईडी देंगे state-data। देखिए यहाँ पे इंडेक्स में आपने क्या पास किया था, state-data, उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। फिर एक डिप टैग लीजिएगा जिसमें डाटा लोड के वैल्यू में आप मेन दीजिएगा और क्लास UI-content दे दीजिएगा। उसी तरह एक मेन डिप बनाइएगा, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और इसमें उसी तरह का जिसमें प्रीवियस में मैंने डेट का बनाया था, इसमें आप क्लास दे दीजिएगा total-state-data। एक डिप टैग लीजिएगा, उसी तरह से इसमें वर्ड लिख दीजिएगा, और यहाँ पे total-state-data-name पास कर दीजिएगा, और एक मेन डिप बनाइएगा रो के नाम से, और इसमें आप पास कीजिएगा UI-grid-a, और इसके अंदर फिर आप इस प्रकार से आप बना दीजिएगा 1 दूसरा ग्रिड, या तीसरा ग्रिड, या चौथा ग्रिड, ये पांचवा ग्रिड, ये छठा ग्रिड, ये आपको बनाना है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और सबसे नीचे आऊँगा, और मैं किसी पे भी क्लिक कर लूँगा, जैसे कि मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा तो महाराष्ट्र का ओपन हुआ, बट यहाँ पे डाटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको डाटा लाने के लिए आपको JS में कोडिंग करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए और इसके ऊपर जो आपने ये कोडिंग किया था इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और ये आपका जो फॉर लूप है ना, यहाँ पे ये जो फॉर लूप बंद हो रहा है, इसके बाद आप उसका कोडिंग कीजिएगा। यहाँ पे इसका कोडिंग कीजिए और देख लीजिए उसका क्लास आपने क्या पास किया था। देखिए state-read-more पास किया था ये, तो इसको आपको कॉपी करना होगा और यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा।
अब आपको किसमें से चेक करना है, मुझे चेक करना है एंकल टैग जो है, एंकल टैग, एंकल टैग के अंदर जो स्पेन टैग है, देखिए यहाँ से स्पेन टैग स्टार्ट हो रहा है, इसके मुझे इनर एचटीएमएल का डाटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सिंपली स्पेन टैग पास करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे स्पेन टैग पास करूँगा और इसके इनर एचटीएमएल इस तरह से पास कर दूँगा। मैं यहाँ पर पास करूँगा डिस्प्ले स्टेट, यहाँ पर मैं पास कर लूँगा स्टेट अंडरस्कोर नेम, देखिए स्टेट अंडरस्कोर नेम, और इसको ये फंक्शन को मुझे बनाना होगा, तो वेरिएबल को इसमें मैं ले लूँगा उसके वैल्यू को, और इसमें ही मैं सिंपली पास करूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेट वाइज डॉट फॉर इच फंक्शन को, फॉर इस फंक्शन को, और इसमें मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास करता हूँ, और इसमें रिस्पॉन्स नहीं पास कर लूँगा, सिंपली इसमें मैं स्टेट पास करूँगा, और इसके अंदर मैं इफ कंडीशन पास करूँगा, और यहाँ पर स्टेट डॉट फिर मैं स्टेट पास करूंगा, और इक्वल इक्वल मैं चेक करूंगा कि क्या स्टेट अंडरस्कोर नेम के बराबर है, अगर बराबर है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसके अंदर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा टोटल हाइफन स्टेट हाइफन डे डाटा हाइफन नेम कहाँ का है, इसके ऊपर आइए, यहाँ पे है ये, इसी को कॉपी करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके एचटीएमएल में स्टेट अंडरस्कोर नेम को पास कर लीजिए। उसी प्रकार से इन सभी को डाटा को भी आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए चीख ये रिपीटेड टास्क है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ही सीक्वेंसेस में ये बन रहा है। उसके बाद आप स्टेट में से ही आप कन्फर्म डेट्स एक्टिव रिकवर्ड और डेल्टा कन्फर्म्ड देख लीजिए, इसका नाम सही से स्टेट डॉट डेटा डेल्टा कन्फर्म और स्टेट डॉट डेल्टा डेट, इसका मतलब है कि डेली कन्फर्म और डेली डेट। मैं इसको सेव करता हूँ और सबसे नीचे आऊँगा और किसी पे भी क्लिक करूँगा, जैसे कि मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा तो दिल्ली का डाटा यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे एक एरर फिर से बता रहा है, वही एरर बता रहा है यहाँ पे जो आपका नंबर सेपरेट है, ये नंबर सेपरेट, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर फिर से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस प्रकार से। अब सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और दिल्ली पे क्लिक करूँगा तो दिल्ली का डाटा यहाँ पे आपको दिखा देगा। मैं बैक आता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस रीड मोर बटन पे क्लिक करूँ तो एक अनदर पेज ओपन हो और उसमें सभी स्टेट का रिजल्ट आना चाहिए, और सबसे नीचे आइए जहाँ पर आपका स्टेट डाटा का पेज ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर जो आपका एंड हो रहा है, उसके बाद आपको फिर वही आपका रिपीटेड टास्क अपनाना होगा। आप डाटा रोल में पेज, आईडी में स्टेट, डाटा रोल में मेन, और क्लास में यूआई हाइफन कंटेंट, और इसमें फॉर्म टैग बनाएंगे और इसमें आईडी पास कर लेंगे, फिल्टर बेसिक हाइफन स्टेट, और यहाँ पे भी उसको पास कर देंगे, और मेन आपको समझने वाली बात है कि इसमें क्लास आप एक अनदर क्लास पास कर देंगे टोटल हाइफन स्टेट। मैं सेव करता हूँ और यहाँ आने से पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टेट है, तो इसके ऊपर आपका एक और बटन था रीड मोर का बटन, उसको सबसे पहले आप फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पे आता हूँ, स्टेट वाइज यहाँ पे डाटा है और स्टेट वाइज डाटा में आपका यहाँ पे एक जो बटन ये खाली है, सिंपली यहाँ पे आप स्टेट पास कर दीजिए, सेव कीजिए और यहाँ पे आप उसको रिफ्रेश कर दीजिए और यहाँ पे आइए और रीड मोर पे क्लिक कीजिए तो आपका ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक इनपुट टैग रहेगा और स्टेट नहीं रहेगा। अब उसी कोडिंग को हम लोग सिंपली अब जेएस में कोडिंग करने वाले हैं। कहाँ पे कोडिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं, ये जो आपका फॉर लूप है, फॉर लूप के बाद फिर आपको फॉर लूप चलाना होगा और इसमें आप पास कर दीजिएगा वेयर आई इक्वल वन से ये चलेगा, और ये कहाँ तक चलेगा, जितना रिस्पॉन्स के स्टेट वाइज में लेंथ होगा उतना तक चलेगा। उसके बाद आप टोटल हाइफन स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका है टोटल हाइफन स्टेट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर सिंपली वही चीज़ अपनाइए, एलआई को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है और एलआई के बाद आपको एंकर टैग बनाना है, और इस एंकर टैग के बाद ही आपको रिस्पॉन्स डॉट स्टेट वाइज डॉट स्टेट पास यहाँ पे आपको कॉल देना है, तो आपका वहाँ पे स्टेट का डाटा दिखाने लगेगा। फिर यहाँ पर आइए और ये जो आपका ये फंक्शन है इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए, और आपका यहाँ पे जो डिस्प्ले अंडर स्कोर स्टेट है इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पे उसको आप पेस्ट कर दीजिए।
देखिए यहाँ पे आप उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आप इसको पेस्ट कर लीजिए। और ये क्या है आपका एल आई है, एल आई के अंदर ए टैग है, तो आप इसमें ए टैग को, ए टैग के इनर एचटीएमएल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली यहाँ से आप उसको डाटा को भेज रहे ही हैं। सेव कीजिए और आप इसको बैक कीजिए और यहाँ पे आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और नीचे आइए तो आपका ये डाटा मिल गया। सिंपली मैं रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए जितना इंडिया में स्टेट है वो यहाँ पे आ गया। मैं जिसको भी सर्च करूँगा बिहार तो बिहार आ गया, बिहार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बिहार आएगा और बिहार का यहाँ पे आपका डाटा दिखने लगेगा। सिंपली मुझे कंसोल डॉट लॉग रिमूव करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है। तो सबसे ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप फैच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक रिस्पॉन्स है, इसको रिमूव कीजिए और उसी तरह से आप सबसे ऊपर आइए और यहाँ पे आपका एक कंसोल होगा। ये देखिए यहाँ पे आपका कंसोल है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, सेव कीजिए और यहाँ पे आप उसको रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इसको बैक कर दीजिए। तो देखिए आपका पूरा डाटा आपको मिल गया। इसके बाद चलिए इसको हम लोग डॉट एपीके में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको कोडोवा आना ही चाहिए, कोडोवा फ्रेमवर्क अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूँ, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप अपना खुद का जैसा चाहे जैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं सिंपली एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। तो चलिए अब सबसे पहले फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो सिंपली आप सिर्फ स्टेप को आप फॉलो कर लीजिए। तो सिंपली आप विंडोज़ प्लस आल्ट दबाइए तो आपका इस प्रकार का आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले डेस्कटॉप को एक्सेस कीजिए इस प्रकार के सीडी लिख कर और इसके बाद आपका कमांड चलाइए कोडोवा क्रिएट, आप जो फोल्डर चाहते हैं वो फोल्डर का आप नाम लिख दीजिए। तो सिंपली मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ प्रोग्राम, या सिंपली मैं कोरोना वायरस भी रख सकता हूँ कोरोना वायरस, और मैं सिंपली इंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये बता रहा है कि पार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मीन्स कोरोना वायरस का फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम ही बना दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फोल्डर बनाने से। मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए आपका बन गया। इसके बाद इसको इस फोल्डर को आप सेलेक्ट कीजिए और इसके अंदर आपका मान चलाइए कोडोवा एंड्रॉयड, लिखिए एंड्रॉयड आप लिख दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ऐड होने लगा आपका एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म, देखिए एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म ऐड हो गया। अब चलिए देखते हैं कि वो कहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। तो आप देख लीजिए ये फोल्डर है, मैं इस पर जब डबल क्लिक करूँगा तो इतना फाइल मिलने को मिलेगा। ये जो WWE है इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको आप रिमूव कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, और ये जो आपका कोरोना वायरस फोल्डर है इसको आप डबल क्लिक कीजिए और इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप फिर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए और इसके बाद आपका मान चलाइए कोडोवा प्लगइन एड कोडोवा हाइफन प्लगइन हाइफन, उसके बाद आप लिखिए स्प्लैश स्क्रीन और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये आपके नेट कनेक्शन के अनुसार ही आपके फोल्डर में ये इंस्टॉल होगा। अब इस फोल्डर के अंदर जाइए और ये जो आपका IMG है, IMG में आप ऐसा फ़ोटो आप रख लीजिए, लोगो बना लीजिए। देखिए इस तरह का आप जो चाहें जो है जो लोगो बना सकते हैं। इसको मैं इसका साइज देखता हूँ कि साइज कितना है, डिटेल्स में जाऊंगा और इसका डायमेंशन देखिए 200x200 का बना लीजिएगा। देखिए मैंने स्प्लैश स्क्रीन इसलिए इंस्टॉल किया कि जब मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूं तो जो 3 सेकंड के लिए जो आपको लोगो दिखता है उसके लिए ही मैंने आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाया है। तो वैसा आपको इमेज लगाना होगा। तो आप सिंपली फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे आपका फोल्डर है, देखिए यहाँ पे आपका ये फोल्डर है। आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाइए, एंड्रॉयड पे जाइए, ऐप पे जाइए, SRC पे जाइए, मेन पे जाइए और रेस्ट में जाइए। और यहाँ पे जो आपका देखिए कहाँ पे HDPI है इसके अंदर जो ये आपका ये है इसको रिमूव कर दीजिए
और इसके अंदर इसको आप रिमूव कर लीजिए और ऐसा जो आपका फ़ोटो होगा आप अपने से बना लीजिएगा। मैं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्या था आपका पोर्ट HDPI में था। उसके बाद लैंडस्केप के लिए आप इस पे डबल क्लिक कीजिए और इस फोटो को रिमूव कीजिए और अपना फ़ोटो ये लैंडस्केप वाला फ़ोटो आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप सभी में बैक आ जाइए और भी बैक आइए और ये जो आपका कॉन्फिग फाइल है इसको आप ओपन इन टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लीजिए। आप यहाँ अपना एप्लीकेशन का नाम लिख दीजिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम ले लिखता हूँ COVID-19। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने टीम का नाम लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं और जो कोडिंग रहेगा वो इसी तरह से ही रहेगा। इसके बाद जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है इसके बाद ही आपको स्प्लैश स्क्रीन का कोडिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए प्रेफरेंसेस में जाएंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए प्रेफरेंसेस में जाएंगे और नेम में आप लिखेगा स्प्लैश स्क्रीन डिले, ये आपका सभी में पहला कैपिटल होगा और इसमें आप 4 सेकेंड पास कर लीजिए, मीन्स 4000 मिली सेकेंड। उसके बाद आप अपने इमेज का नाम लिखेंगे, मेरा इमेज का नाम क्या था, लोडल था, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से प्लेटफॉर्म में जाऊँगा, एंड्रॉयड में, ऐप में, SRC में, मेन में, रेस में और यहाँ पे जाऊँगा। तो देखिए इस फोल्डर का क्या नाम है, आपका फोल्डर का नाम है लोडल, तो इसीलिए आप यहाँ पे उसका नाम रखेंगे लोडल। और यहाँ पे पास करेंगे शो स्प्लैश स्क्रीन स्पिनर ट्रू, क्योंकि फ़ोटो के ऊपर जो आपका लोडर चलता है इसी के माध्यम से ही चलता है। उसके बाद उस लोडर का कलर को चेंज करने के लिए आप नेम लिखेंगे स्प्लैश स्क्रीन स्पिनर कलर और उसका वैल्यू दे देंगे ग्रीन। और सबसे लास्ट में आप अपने लोगों को यहाँ पे SRC पास करेंगे, तो मेरा लोगो है www.img_logo.png के नाम से, तो इसके अंदर logo.png है, देख लीजिए यहाँ पे जो आप लिखे हैं। सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। और अगर आप इसको APK में बिल्ड करना चाहते हैं तो आप बिल्ड कर लीजिए, या इसको आप रिजल्ट देखना चाहते हैं आप Genymotion में तो आप Genymotion एमुलेटर को ऑन कर लीजिए। तो मैं इस Genymotion एमुलेटर पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए Genymotion आपका ओपन होने लगा। और जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे जो आपका इंस्टॉल होगा डिवाइस उस पर आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक वर्चुअल मोबाइल मिल जाएगा, उससे में ही आप उस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये फ़ोन वर्चुअल मोबाइल आपका ओपन हो गया। फिर से आप आइए अपना कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे लिखिए कोडोवा रन एंड्रॉयड। जब आप इसको फर्स्ट बार आप रन करेंगे तो आपका 2-3 मिनट लग जाएगा, तो आप पेशेंस ज़रूर रखिएगा। तो देखिए ये एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल लॉन्च हो गया और ये 4 सेकंड के लिए आपको ये स्प्लैश स्क्रीन आएगा और आपके यहाँ अब मोबाइल में ये आपका Genymotion में आपका ओपन हो जाएगा और उसी तरह का आपका ये डाटा दिखाने लगेगा। तो देखिए ये आपका इस तरह से बन गया। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से कट करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में, एंड्रॉयड में, ऐप में, बिल्ड में, आउटपुट में, APK में, डिबग में, और ये रहा आपका app.debug। इसी को आप नेम चेंज करके जिसको भी आपको देना है या प्ले स्टोर पर चढ़ाना है आप इसको चढ़ा सकते हैं, बट प्ले स्टोर पर चढ़ाने से पहले आप में आपको इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करना होगा, वो भी आपको एंड्रॉयड स्टोर में करेक्शन करना होगा, बट आपको पर्सनल यूज के लिए या अपने फ्रेंड के दिखाने के लिए ये बेस्ट है। इसको आप नेम चेंज कर दीजिए, कोरोना वायरस या कोई भी COVID-19 नाम रख लीजिएगा। सो गाइज, यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।